gamabane ne zane baba gamabama mama mama dani 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 श्रोता नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2076 शक संवत 1941 और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि द्वादशी। और आप सुन रहे हैं आप और जी हाँ, आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिनांक तिथि डेट बनती है जी हाँ 30 जून 2019। और जी आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर जी पूरा तड़का लगा के आज आपके साथ मैं हूं मनीष। और आप सभी को मेरा सुप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। जी हां 30 जून आ गई जी हां, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या ये एक्साइटिंग न्यूज़ होती है कुछ लोगों के लिए? जी हाँ, जो टैक्स एजेंट हैं, जो टैक्स से डील करते हैं, टैक्स अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए तो बड़ी चांदी चांदी है। जी हाँ, सारे उंगलियां घी में रहेंगी कल से और 30 अक्टूबर तक वो आप लोगों को। लेकिन जो मेरे जैसे हैं यार, 30 जून आ गया यार, फिर से टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, टैक्स जो नहीं दिया वो भी काटा जाएगा। ओह हो हो, बड़े सारी यार क्या ये झंझट है। टैक्स रिटर्न करना मेरे लिए तो काफ़ी मुसीबत का काम होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज टैक्स रिटर्न की बात नहीं करेंगे, टैक्स रिटर्न की बात अगले रविवार को होगी। जी हाँ, टैक्स रिटर्न के बारे में हम एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे और टैक्स की टिप्स देंगे, टैक्स से बात करेंगे। जी हमारे जो रेडियो मनपसंद के सपोर्टर हैं, लिसनर हैं, श्री मेहुल धनेशा जी, वो होंगे इस रेडियो स्टूडियो में। जी हाँ, एक्वेटेक्स चलाते हैं गंगालैंड में, उनसे हम और गपशप करेंगे। लेकिन आज जी हाँ, आज कुछ स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है। उससे पहले आपको मौसम की जानकारी दे दूं, क्या मौसम ने करवट ली है। जी हाँ, ठंड का मौसम तो अभी चरम सीमा पर है, बस एक महीना हो गया देखिए ठंड होते हुए। और इस समय एकदम ये कहिए कि बारिश और बर्फ़ ने काफ़ी ठंडक पहुंचाई है दिल को। जी कलेजे को नहीं, 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 नहीं कलेजे को क्या, दिल दिमाग पूरे बदन में ठंडक ही ठंडक पहुंच गई है। आप सबके भी ठंड लग रही होगी, कल जो बारिश हुई है उससे ठंड थोड़ी बढ़ गई है। उधर जो बर्फ़ एंजॉय करने वाले लोग हैं, जी हाँ स्कीइंग करने वाले हैं, स्नो बोर्डिंग वाले हैं, वो तो बड़े खुशी की लहर दौड़ गई है कि चलो स्नो हो रही है और स्नो पे जाके थोड़ा सा जाके मौज मस्ती करेंगे। ठीक है, आज का कैनबरा का टेम्परेचर मैं बता दूँ, कैनबरा का इस समय टेम्परेचर 8 डिग्री लेकिन फील्स लाइक 1 डिग्री। जी हाँ, फील फैक्टर केवल 1 डिग्री है। और कल आज वैसे 11 डिग्री जाने वाला है, बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, क्लाउडी रहेगा, लेकिन कल से वही वापस। जी हाँ, बढ़िया बढ़िया सनी मॉर्निंग्स आपको दिखाई देंगी, -4 फ्रॉस्ट रहेगा और फिर 12 डिग्री 14 डिग्री, लेकिन फ्रॉस्टी मॉर्निंग्स आर वेरी गुड फॉर कैनबरा। चलिए मौसम की बात करेंगे मौसम, और आपको जी हाँ आज ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम। जी हाँ, स्पेशल प्रोग्राम इसलिए बता दूं क्योंकि पिछले दिनों भारतीयों के लिए, या मैं कहूं कि भारतीय मूल के लिए, ये जो यहाँ कैनबरा में नहीं पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं, काफ़ी खुशखबरी का समय था और पूरे महीने भर ही था। और मैं अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जी हाँ मैं क्रिकेट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, वो तो हमारे भारतीय टीम और साथ में हमारी जो यहाँ की ऑस्ट्रेलियन टीम है, दोनों ही बहुत बढ़िया खेल रही हैं और शायद इन दोनों के बीच में शायद हो सकता है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने को मिले 14 जुलाई को। लेकिन जो मैं खुशखबरी की बात कर रहा हूँ वो है कि क्वींस बर्थडे पर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल दिए गए और हमारे कुछ भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उन्होंने ये सम्मान पाया। और कैनबरा से थे प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जिनको मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AM का सम्मान मिला। और उनका इंटरव्यू तो पिछले संडे हमारे प्रोग्राम में आपने सुना ही होगा, श्री किशोर जी ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया था। अगर आपने नहीं सुना है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर इसको फिर से सुन सकते हैं। जी हाँ, facebook.com/radiomanpasand, नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है जो आके आप वहाँ सुन सकते हैं। और दूसरे जो हमारे कैनबरा वासी थे, श्री कृष्णा नदिमपल्ली जी, जो कि फिनेक्ट के हाल ही में प्रेजिडेंट हैं और कई
सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हैं उनको मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, यानी OAM का उनको ऑनर्स मिला। और वो आज हमारे खास मेहमान रहेंगे आज हमारे इस रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में, यानी संडे के प्रोग्राम में, और 11 बजे से उनसे मैं गपशप करूँगा, बातचीत करूँगा। लेकिन पिछले बुधवार को जो हम सब ने समाचार पढ़ा या देखा, उससे तो हम सब आश्चर्यचकित हो गए। हमको ही नहीं, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ उनको भी अचंभे में डाल दिया। वो खुद इतने कहते हैं कि बोल रहे थे कि स्कॉट मॉरिसन की तरह कि आई बिलीव इन मिरेकल्स, तो मिरेकल्स ही हो गया उनके लिए भी। और खुशखबरी ये है कि कैनबरा के ही भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, जी हाँ, भारत में पले बड़े हैं, और गर्व से कहूँगा कि वो ACT पार्लियामेंट में पहली बार अपना कदम रखने वाले हैं। जी हाँ, रखने वाले हैं, अभी रखे नहीं है, और कल से, जी हाँ, 1 जुलाई से उनके लिए ये कदे खुशखबरी का दिन आ रहा है और नया फाइनेंशियल शुरू हो रहा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का भी एक नया पड़ाव आने वाला है। जी, मैं बात कर रहा हूँ श्री दीपक राज गुप्ता जी की, जिनको हमारे कैनबरा समुदाय भली भांति जानता है, और वो भी हमारे रेडियो मनपसंद के आज विशेष मेहमान रहेंगे। और अभी स्टूडियो में वो आ चुके हैं, और वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार आ चुका है, और उनसे काफ़ी सारी बातें होंगी, गपशप होंगी, उनके इस आश्चर्यचकित MLA बनने की खुशी में वो क्या कहना चाहेंगे, क्या उनका जो पॉलिटिकल करियर है अब क्या करना चाहेंगे, और आप अगर उनसे बात करना चाहें कि आप क्या चाहते हैं कि वो इस करें यहाँ जाके ACT पार्लियामेंट में, और क्या क्या पॉलिसीज लेकर आएँ, तो कुछ उनके आपके साथ विचार हैं, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिए स्टूडियो में 6287-4348, जी हाँ 6287-4348, नहीं तो आप मुझे मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जी हाँ 0421-898-095, जी हाँ व्हाट्सएप ले या SMS से अभी आप बात कर सकते हैं, तो बस है। और अगर ईमेल करना चाहें तो tadka@radiomanpasand.com। तो बस यही बात करेंगे कि उनके पॉलिटिकल कैरियर में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या वो होमवर्क कर रहे हैं, क्या क्लास वर्क कर रहे हैं। जी हाँ, कल से उनकी नया स्कूल खुल रहा है, फिर से वो बस्तर लेके जाएंगे, तो बस और गपशप है। जी हाँ, देखिए बोलते ही फ़ोन घंटियाँ बजने लगी, और इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन तीसरा जो विशेष बात जो मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपका अपना रेडियो मनपसंद जो चैनल है, अब केवल 3 घंटे ही का नहीं, यानी 2 घंटे संडे और 1 घंटा मंगलवार को ही नहीं, बल्कि अब 24 घंटे का हो गया है। जी हाँ, 24 घंटे सातों दिन आप ये अपने रेडियो मनपसंद को अपने पास रख सकते हैं और सुन सकते हैं। आपने किसी भी डिजिटल डिवाइस पे आप सुन सकते हैं, या आपके पास अगर एंड्रॉयड ऐप, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से, नहीं तो आपके पास अगर iOS, iPhone या iPad है तो सिंपल रेडियो, जी हाँ सिंपल रेडियो करके ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए iOS, और उसमें अगर आप सिंपल रेडियो के iOS ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे आप रेडियो मनपसंद को सर्च कीजिए, और वहाँ से आप रेडियो मनपसंद सुन सकते हैं 24 घंटे सातों दिन। अगर आप सुनना चाहें तो वेबसाइट से भी हमारे सुन सकते हैं, जी हाँ radiomanpasand.com पे, और वहाँ पे भी आप लाइव हमारा ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। और आज का जो प्रोग्राम, जो अभी हम संडे का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी हम रिपीट आपको सुनाएंगे अपने ऐप पर, जी हाँ ये रिपीट होगा 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो बस यही कहेंगे कि बस ये प्रोग्राम में, जी हाँ ये जो प्रोग्राम 24 घंटे का हो गया, इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे। जी हाँ, सुबह 1-2 घंटे आपसे लाइव बात की जाएगी, पुराने और नए संगीत आपको 24 घंटे मिलेंगे। सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो 6 से 8 बजे आप इसमें भजन सुन सकते हैं, 8 से 9 आप देशभक्ति के गीत सुन सकते हैं, और शाम के वक्त अगर आप नए गीतों के, फरमाइशें आती रहती हैं मेरे पास, तो नए गीत अगर आप सुनना चाहें तो शाम के वक्त आप इसमें सुन सकते हैं। जी हाँ, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक ड्राइव टाइम में आप इसके नए जो हिट सॉन्ग्स हैं, जी हाँ उसको आप सुन सकते हैं। कुछ भी कहना हो, कहलवाना हो, या किसी भी फरमाइश भेजनी हो, या कुछ सजेशंस देना हो, प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए ऑन tadka@radiomanpasand.com, tadka@radiomanpasand.com। बस मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरा भी ख्वाब था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो था, लेकिन कभी सोचा नहीं था, जैसे दीपक राज जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो ACT पार्लियामेंट में जाएंगे, और जब आए थे कितने साल हो गए, इनसे पूछेंगे कि इनके क्या ख्वाब लेके आए थे। मेरा भी एक ख्वाब था कि अगर ऑस्ट्रेलिया आऊँ तो एक हिंदी स्कूल चले, हिंदी रेडियो चले, जो कि मैंने हिंदी रेडियो शुरू किया, फिर हिंदी कमेंट्री करने को मौका मिले, हिंदी कमेंट्री भी मैंने की, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया T20 का जो मैच था,
सिडनी में, वो भी मेरे को मौका मिला, बहुत मज़ा आया, वो भी एक जैसे कहते हैं टिक द बॉक्स हो गया। लेकिन अब ये एक ख्वाब था कि 24 घंटे सातों दिन एक हिंदी रेडियो चैनल हो जिसमें आपके अपने मनपसंद गाने चलते रहें, तो ये ख्वाब मेरा तो पूरा हुआ, काफ़ी लोगों का पूरा हुआ। और उन्हीं जो जो आज विशेष मेहमान हैं श्री दीपक राज जी और श्री कृष्णा जी, उनके भी ख्वाब पूरे हो रहे हैं। चलिए उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और बस ये कहूँगा कि ये अभी रेडियो मनपसंद जो 24 घंटे वाला है एल प्लेट पर है, इसको थोड़ा प्यार दीजिए। अभी स्टीयरिंग व्हील मैंने पकड़ा है और शायद हो सकता है कि अगर चल पड़ी गाड़ी तो पी प्लेट जल्दी मिल जाएगा, और उसके बाद तो फिर 3 साल के अंदर ये फिर फर्राटे से चलेगी गाड़ी ऑटो पायलट की तरह। और आप सब लोगों का प्यार और सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आशीर्वाद मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए इन सब के लिए जिनके ख्वाब पूरे हो चुके हैं या कोशिश कर रहे हैं अपने ख्वाबों को पूरे करने के लिए, यही कहूँगा कि चांद सितारे तो नहीं तोड़ लाऊं, लेकिन बस इतना सा ख्वाब है। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और 91.1 पर नहीं, आप लाइव इस समय सुन रहे हैं अपने रेडियो मनपसंद के ऐप पे। जी हाँ, जल्दी से डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आप वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं radiomanpasand.com पर। लगे रहिए, सुनते रहिए। फ़ोन करना चाहें प्लीज़ फ़ोन कीजिए 6287-4348, नहीं तो 0421-898-095। लगे रहिए, सुनते रहिए, पूरा तड़का लगा के। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाओ, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाओ, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। जी हाँ, बस इतना सा ख्वाब है। और मैं यही कहूँगा जो सपने देखते हैं वो ज़रूर आपके पूरे होते हैं, आप बस कोशिश में लगे रहिए। जी हाँ, एक ना देख जरूर आपके सपने पूरे होंगे। और सपने आप क्या देखते हैं इस बारे में भी अगर बात करना चाहें, जी हाँ, कोई बड़ा मतलब क्या कि काफ़ी उत्सुक है दीपक राज जी से बात करने के लिए। उनको मैं अभी
ऑनियर लेता हूँ थोड़ी देर में, मैं उनको होल्ड पे लगाता हूँ जी। आप जो भी बात कर रहे हैं प्लीज़ अपने होल्ड पे रहिएगा और आपसे जल्दी मैं लाइव ऑन एयर बात करूंगा। लेकिन पहले तो वेलकम तो कर दूं श्री दीपक राज जी का। जी दीपक राज जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और यही कहूंगा कि जो ख्वाब SRK ने, शाहरुख खान ने देखा था, देखिए कहाँ मिडिल क्लास बंदा जिसने कभी सोचा नहीं था आज वो सुपर स्टार बन गया है। और वैसे तो वो मेलबर्न भी आ रहा है दीपक राज जी की, तो लेकिन उनको वही ख्वाब जो देखते हैं वो पूरे भी होते हैं। चलिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं, और ये क्या कहूँगा, मेरा तो शब्द ही नहीं मिल रहे। अभिनंदन करता हूँ श्री दीपक राज गुप्ता जी का। नमस्कार दीपक जी, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। नमस्कार नमस्कार मनीष जी। आज अपने डिफरेंट रूप में आ पाए। आप हमेशा इंडिया इन द सिटी को प्रमोट करने आते हैं, चाहे इंडियन ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन को आए थे, फिर AIBC के लिए आ चुके हैं, तो मैं दीपक राज जी को क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज़ बीन द फुल, पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, AIBC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, CIC के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट हैं, कई सारे इन्होंने कमेटी काम किए हुए हैं। और ये बता दूं कि इनको सबसे पहला मल्टीकल्चरल अवार्ड भी मिला था, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन, मतलब ये कहता हूँ कि बॉर्न इन इंडिया, जो अब कोई भी पार्लियामेंट में, जो मैं कहा से ऑस्ट्रेलिया के कोई भी पार्लियामेंट, चाहे वो स्टेट पार्लियामेंट हो, चाहे टेरिटरी पार्लियामेंट हो, चाहे फेडरल पार्लियामेंट हो, वो कदम रख रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद मनीष जी, और आपको और आपके श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये बहुत ही गर्व की बात है, सब हमारे भारतीय मूल के जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, खासकर कैनबरा में, कि ये एक उत्साह का माहौल है सबके लिए, मेरे लिए तो है ही है, पर मेरे ख्याल से ये सारे भारतीय लोग जिनके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं आप सब लोगों का हृदय दिल से पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा प्रश्न यही होगा कि कैसा फील हो रहा है जब आपको फ़ोन कॉल आया, किसने फ़ोन किया? एंड्रू बार ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ़ोन किया? हाँ, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया था। और आप क्या कर रहे थे उस समय? उठे, सो तो नहीं रहे थे? जी नहीं, मैं एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा, तो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी वैसे बात होती है, पर टैक्स वगैरह से होती है, उनके पर्सनल फ़ोन से बहुत कम होती है। तो जब मैंने अपनी गाड़ी के उसमें देखा कि एंड्रू बार कॉलिंग तो मैंने कहा भाई SOS कॉल है। हाँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि दीपक आप क्या कर रहे हो? हाँ। तो मैंने कहा मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कहते आप बात कर सकते हैं? मैं कहा जी मैं कर सकता हूँ। अच्छा। और उन्होंने कहा आप कैनबरा में हैं? तो मैंने कहा जी हाँ मैं कैनबरा में हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, पर वो सुबह 9 बजे आएगी। अच्छा। तो उससे पहले मैं आपको इतना नहीं बता सकता, बस यही मैं पता करना चाहता कि आप यहाँ हैं और आप कल 9 बजे का इंतज़ार कीजिए। अच्छा। तो यही बात हुई, और बस उसके बाद आपके दिल में खलबली मची, पेट में तितलियां बिल्कुल होने लगी। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या है। मैंने कहा शायद वो इंडिया जा रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। जी हाँ। फिर 8:30 बजे मुझे पार्टी ऑफिस से फ़ोन आया कि भई 9 बजे एक न्यूज़ आने वाली है, एंड दैट विल बी अ वेरी वेलकमिंग न्यूज़ फॉर यू, तो आप ABC रेडियो को ट्यून करें। अच्छा। तो उसके बाद मुझे ये बात पता चली कि भई जो मीगन फिट्ज़हैरिस हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, एंड शी विल बी क्विटिंग पॉलिटिक्स। अच्छा। पर उस वक्त ये नहीं बताया था कि भाई आपका क्या है, कि आप आ रहे हैं इसमें काउंट बैक वगैरह में। तो फिर खैर मैं समझ गया था कि भाई ये इस लीडिंग टूवर्ड्स टू दैट गुड न्यूज़, एंड सेम टाइम कि मैं इस वक्त मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा कि मीगन फिट्ज़हैरिस के अचीवमेंट का, कि उन्होंने बहुत काम किया है गंगालिन में, उन्होंने लैंडस्केप ऑलमोस्ट चेंज किया है गंगालिन का, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके रेडियो के तरफ से, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है और जो जा रही हैं वो एक बहुत वैक्यूम रहेगा असेंबली में। बिल्कुल नहीं, बात सही है। नहीं, नहीं। पर यह है कि बड़े शूज़ को फिल करने के लिए बड़ी तमन्नाएं होनी चाहिए, और जैसा आपने कहा कि वो ख्वाब मेरे में है, था, रहेगा, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके वो मैनेज टू गेट इनटू हर शूज़। बहुत बहुत बिग शूज फिल करने हैं। मीगन ने 4 साल में, 4 साल के 3 साल में बहुत अच्छा काम किया। ट्रेन
उन्हीं लाइट रेल शुरू हो गई है और जिन्होंने यूज़ किया है, तो मैं तो कहूँगा इट्स अ फैंटास्टिक अचीवमेंट ऑफ एसीटी लेबर गवर्नमेंट। और क्या कहते हैं कि आने वाले टाइम में कैनबरा में और जो होल्डन वगैरह में भी इसका विस्तार होगा, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकमिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। वेरी नाइस। तो ये आपकी जो चयन हुआ, इलेक्शन इलेक्ट जो होकर आप एसीटी पार्लियामेंट में कल कदम रखने वाले हैं, इस पे काफ़ी मेरे पास फ़ोन कॉल एसएमएस आए कि दीपक राज जी जो कि 2016 में इलेक्शन लड़े थे वहाँ वो हार गए थे। हार क्या का मतलब, तो ये कैसे फिर काउंट बैक का क्या चक्कर है, क्योंकि टॉप फाइव तो चूज किए जा सकते हैं एमएलए के लिए, लेकिन क्या वेटिंग लिस्ट भी होती है यहाँ पर एसीटी? वेटिंग लिस्ट ऐसे तो नहीं होती, यहाँ बाय इलेक्शन नहीं होते। अगर कोई जैसे फेडरल गवर्नमेंट में, जैसे फेडरल गवर्नमेंट हाउस ऑफ रेप के लिए, दैट्स राइट। तो यहाँ पर ये हेयर क्लार्क सिस्टम है, ये बहुत ही फनी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा सिस्टम है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए तो नहीं है। नहीं, नहीं आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए, पहले था ये तो आपको आपको बोलना चाहिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, डकवर्थ लुईस की तरह। एग्जैक्टली। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई जो यहाँ पर हर एक पार्टी के सदस्य जो खड़े होते हैं उस चुनाव क्षेत्र से, अगर उनमें से कोई स्टेप डाउन कर जाता है या रिज़ाइन कर जाता है, तो उसके बाद के जो होते हैं वो काउंट बैक में वापस लिए जाते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर एंड्रू बार हैं वो भी काउंट बैक में ही आए थे। हाँ। और मीगन फिर सैरिस वो खुद काउंट बैक में आई थी केटी गैलेगर ने जब अच्छा। वो रिज़ाइन किया था। तो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो गंगालिंस की जो क्षेत्र है, जो आपका यरवी क्षेत्र है, उसमें से टॉप फाइव चूज किए गए थे, उसमें मीगन थी और लेकिन सिक्स्थ पे जो थे जिनका नंबर आ सकता था वो जेसन हेडर थे, शायद आपको पता। हाँ जी, वो हाँ जी। आपके लेबर पार्टी के ही थे, लेबर पार्टी के, लेकिन उनकी बड़े आकस्मिक मौत हो गई थी। जी हाँ, वो एक मोटरसाइकिल हो गई, तो फिर इसलिए जो लेबर पार्टी की तरफ से मैं ही एक यू वर द नेक्स्ट वन इन द लाइन। तो वो काउंट बैक होती है उसमें अच्छा। अगर वो होते तो वो प्रेफरेंस वगैरह देखते कि किसको प्रेफरेंस मिली है, तो वहाँ चलिए। तो अब वो नहीं होगा। तो इस स्कॉट मॉरिसन का जो टैग लाइन है, आई बिलीव इन मिरेकल्स, आई डू बिलीव इन मिरेकल्स, यू डू बिलीव इन मिरेकल्स। और मैं ये सबसे कहूंगा कि सपने रखें, सपने रखें, कभी डोंट गिव इट अप। बिल्कुल, ये तो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं यहाँ जो रेडियो कर रहा हूँ इतने सालों से, आई डू बिलीव इन मिरेकल्स टू। मैं कुछ पता नहीं कब क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक सदमा था मेरे लिए जब मैं इलेक्शन, मतलब कि मैं सफल नहीं हो पाया, पर एक जो चीज़ मैंने रखी कि आई डिडंट गिव इट अप। मैं जो अपना समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए वो काम जैसे पहले कर रहा था वो वैसे मैं लगातार करता ही गया। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गपशप है, थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये गाना मेरे दिमाग में आ रहा था, शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, और यहाँ सारे जितने भी हमारे भारतीय मूल के जो लोग यहाँ कैनबरा में रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और हमारे ऑनलाइन सुन भी रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, यहाँ यूएस से भी लगे हुए हैं कुछ लोग और कुछ इंडिया में सुन रहे हैं हमें लाइव, उन सबको यही कहूँगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए, लगे रहिए और सुनते रहिए। और यह हम बात कर रहे हैं श्री दीपक राज गुप्ता जी से, जो कि अब यरवी यानी क्षेत्र से, गंगालिन क्षेत्र से, भारतीय मूल के जो क्या कहते हैं मिनिस्टर तो नहीं बोलेंगे, एमएलए तो MLA. जी हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हुए हैं। कल वो पार्लियामेंट में अपना कदम रख रहे हैं, स्कूल का बस्ता उनका रेडी हो गया है, होमवर्क तैयार है, क्लास वर्क क्या होगा ये अभी उनको खुद नहीं पता है। चलिए, और भी गपशप है, लगे रहिए। आप फोन करना चाहें 6287-4348, SMS करना चाहें 04218980, ईमेल है हमारा tadka@radiomanpasand.com। लगे रहिए और सुनते रहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों
क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, समझे ना, हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था, हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था, सपना सलोना था, तुम तो होना था, हुआ कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये तो खाली श्री दीपक राज गुप्ता ही बसा सकते हैं। दीपक जी थैंक यू वंस अगेन, हमारे रेडियो मनपसंद की आप शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका फिर से अभिनंदन है, बहुत शुभकामनाएं। चलिए कोई फोन बात करना चाह रहा है उनसे पहले बात ही कर लेते हैं। जी हाँ नमस्कार, ये लाइव ऑन एयर, गुड मॉर्निंग मनीष। हाँ ज्योति जी नमस्कार, कैसे हैं, ज्योति ज्योति। हाँ big congratulations to deepak raj gupta ji, I know it's not an easy task, maybe bahut challenges hain unke liye, lekin community ki taraf se best wishes, aur congratulations unki family ko bhi, kyunki jo bhi unhone achieve kiya hai, main undermine nahi karna chahti, lekin family ka bhi piche se bahut support aur sacrifices rehti hai, ye baat to hai, congratulations unki family ko, wo main unse baad mein baat karunga ki unke family support aur unka jo raha hai aur community support to rahi hai, us bare mein charcha hogi। कोई खास आप विशेष बात करना चाहते हैं या नहीं? नहीं मैं अभी आई लीव द फ्लोर ओपन टू बाकी श्रोताओं के लिए भी जो वो पूछना चाहें, बस हम सब की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस दीपक जी और उनकी फैमिली को भी जिनके लिए चैलेंजेस आ गए अभी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, और आपका सहयोग बहुत सालों से रहा है और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि ये सहयोग आगे भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सेकंड चीज जो है मनीष जी आपको भी कंग्रेचुलेशन, इट्स लाइक इंडिया रेडियो ऑन आवर फिंगर ट्रिप। ओके थैंक यू, थैंक्स ज्योति, इसमें वही तो मैं कह रहा हूँ आपका भी योगदान इसमें भी है। और हम चाहेंगे आप तो आरजे हैं यहाँ पे करती हैं, तो और प्रोग्राम्स लेकर आइए और लोगों को बताइए, मेन थिंग है ये सफलता की ज्योति जलाए रखें ज्योति जी। नहीं नहीं ऐसा कुछ खास हमने नहीं किया है, पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट है, बट इट्स लिटरली लाइक इंडिया रेडियो ऑन आवर फिंगर ट्रिप, which is a big big feeling। Absolutely। और app download कर ली है और बहुत ही useful है। जी हाँ। और आप, समय ये चलता आप है, तो प्लीज अपने अड़ोसी पड़ोसी फैमिली मेंबर्स सबको बताइए कि प्लीज डाउनलोड करें, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऐप, कुछ नहीं करना है, खाली सुनते रहना है, लगे रहना है। और ये न्यूज अगर शेयर करूं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी इज आरजे हुसन में है, तो वो हमेशा अपने लाइव रेडियो का मुझे फेसबुक पे भेजती रहती थी। अच्छा, तो मैं सोचती थी मैं कहा वहाँ पे कम्युनिटी इतनी बड़ी है, देखो कितना उन्होंने अचीव किया है, कभी हमारे लिए भी ऐसा हो जाए, तो मैं बड़े प्राउड और गर्व की बात यह है कि सबसे पहले मैंने उन्हें ही न्यूज भेजी कि लुक एट दैट कैनबरा की आप पॉपुलेशन देखिए और ह्यूस्टन की इंडियन कम्युनिटी देखिए, तो देखिए अब हमारे यहाँ पे भी ये अचीवमेंट है। वेरी नाइस, थैंक यू ज्योति, चलिए थैंक यू, ओके और सुनते रहिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी अगर फोन करना हो और दीपक राज जी से कुछ गपशप करनी हो, बधाई संदेश देना हो, या कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा ही कुछ प्रश्न चल रहा हो कि क्या क्या होना चाहिए जी, क्या क्या बदलाव लेकर आए दीपक राज जी एंड यहाँ पे एसीटी गवर्नमेंट में, तो चलिए दीपक जी आगे आपका और भी प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो कल आपकी तैयारी है क्या, नारियल वेरियल तैयार रखा, नारियल फोड़ेंगे पहले एक कदम रखने से पहले क्या, मतलब वैसे तो आप पार्लियामेंट में जा चुके हैं लेकिन एज ए एमएलए पहली बार कदम रख रहे हैं, तो मनीष जी अभी कुछ प्रोसेसेस हैं। अच्छा, कि उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो अभी एकदम एंट्री असेंबली में नहीं होगी। अच्छा, तो पहले तो जो मीगन फिट्ज़हैरिस हैं वो कल रिजाइन करेंगी अपनी पोस्ट से, तो वो नोटिस जाएगा। अच्छा, अपना यहाँ पे जो इलेक्टोरल कमीशन है उन पे नोटिस जाएगा,
उसके बाद वो दस दिन का वो पब्लिक नोटिस देते हैं. अच्छा. जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उसके बाद वो नियुक्ति होगी और जो पहली सिटिंग असेंबली में होगी तो उस दिन मेरी स्वेरिंग इन होगी विच विल बी अराउंड 30th of July. तो अभी टाइम है पर ये इसमें बहुत सी चीज़ें करनी है. स्टाफ सिलेक्शन करना है, बाकी पॉलिसीज वगैरह जो असेंबली की हैं उनको गाइडलाइंस को पढ़ना है समझना है. तो वैसे तो होमवर्क कल से शुरू हो जाएगा पर जो ओथ सेरेमनी या उसको जो स्वेरिंग इन आप कहेंगे या मेडन स्पीच वो शायद 30 तारीख को जब पहली सिटिंग ऑफ असेंबली होगी तब होगी. हाँ. अच्छा. तो अभी छुट्टियां हैं 3 हफ्ते की, मतलब असेंबली में जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनकी भी. लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है. मेरी छुट्टी नहीं है, मेरा काम 24 घंटे 7 दिन रेडियो मनपसंद की तरह आपको भी लगे रहना. बिल्कुल लगे रहना है और बहुत लिटरेचर है पढ़ने के लिए समझने के लिए असेंबली के रूल्स एंड रेगुलेशंस है. तो अभी वो काम कल से शुरू हो जाएगा. जी हाँ. और फिर धीरे धीरे कई चीज़ें कमिटीज सब कमिटीज के सिलेक्शन का, तो अब ये प्रोसेस 1-2 हफ्ते लगेंगे इनमें. जब आपने ओथ सेरेमनी की बात की तो क्या आप गीता पे हाथ रख के ओथ लेंगे या क्या आपकी रिलीजियस बुक या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं गीता पे हाथ रख के ये शपथ लूँगा और ये बात शायद मैंने आपको 2016 में भी बोली थी कि अगर ये मौका मिले तो, और ये बहुत ही गर्व की बात होगी हमारे हिंदुस्तानियों के लिए और इस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ. तो हाँ, मैं गीता पे ही हाथ रख के शपथ लूँगा. सबसे पहले यही पूछूंगा, आपने कितने साल हो गए आपको कैनबरा में आए हुए? मतलब आपने शायद पहले भी अपनी स्टोरी आपसे हमसे शेयर की थी कि आपने जब शुरुआत की थी मैकडोनल्ड से शायद, या आपने कार वॉशिंग से? मैं वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में 1989 में आया था, मेलबर्न. अच्छा. आया था. हाँ. तो वहाँ मेलबर्न में मैं 14 साल रहा और वहाँ पर जैसे सब लोग आते हैं एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है नए माइग्रेंट्स का. खैर, मैं तो स्टूडेंट आया था और तब यहाँ पर भारतीय मूल के लोग ज़्यादा होते भी नहीं थे, बल्कि मेलबर्न में भी इतने ज़्यादा नहीं थे. तो वहाँ पर मुझे जो पहला काम मिला वो कार वॉश का मिला और उस वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे वहाँ पर जो रियल ऑस्ट्रेलियंस लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ. यू आर लाइक ए ट्रू ब्लू ऑजी. दैट्स राइट. जो शुरुआत मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट से शुरू करते हैं या कार वॉश या पीपल स्किल्स. और पता चला कि यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ मेहनत जो आप करें वो उसका आपको फल उसी वक्त मिलता है. डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है. तो उसमें से जो मैंने जो एक्सपीरियंस है, प्रेशर है, लोगों से बात करना, टाइम मैनेजमेंट, वो कभी भी मैं उसको यूज़ करता हूँ. क्या बात. तो वो जो मेरा टाइम था कार वॉश में वो व्यस्त नहीं गया. और जैसे कहते हैं ना कि भाई एक अच्छी कार, साफ सुथरी कार इज़ बेटर देन न्यू नॉट मेंटेन कार. सही बात है. उसमें साफ करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जी, ये हम सबको पता ही है. लेकिन आपने काफ़ी सारे पापड़ बेले हैं. 18 साल हो गए, कितने 1989 से लेकर 30 साल हो गए या करीब यहाँ पे रहते हुए, मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए. फिर 2002 में मैं कैनबरा आया. हाँ, 2002 में. हाँ, 2002 में मैं एक प्राइवेट कंपनी में मेलबर्न में काम करता था तो उसकी कुछ असाइनमेंट थी, उस चक्कर में मुझे कैनबरा आना पड़ा. अच्छा. तो जब हाँ तो कैनबरा आए तो मेरी धर्मपत्नी जो शुचिराज, उन्होंने भी मुझे फॉलो किया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रही थी. तो फिर हमें ये शहर बहुत अच्छा लगा. अच्छा. और जैसे आप जानते हैं मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ और कैनबरा में काफ़ी समानता है. वहाँ पर जो वो भी एक फर्स्ट इंडियन प्लान सिटी है, कैनबरा भी फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया की प्लान सिटी है. और राउंड अबाउट डेमोग्राफिक, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, तो मुझे बिल्कुल ये घर जैसा लगा और फिर हम यहीं बस गए. और आपको सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं बिकॉज आपने इंडिया इन द सिटी का जो शुरुआत की. अभी फिर ये जुलाई अगस्त आ गया और आप करी इन द करी फेस्टिवल भी लगाते हैं. तो पीपल नो यू फ्रॉम इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन हो, चाहे AIBC हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल हो, CIC हो, वगैरह वगैरह. आपके काफ़ी कम्युनिटी इवेंट्स में तो देखा है, पढ़ा है, सुना है और एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ द मल्टीकल्चरल सोसाइटी. लेकिन पॉलिटिकल कैरियर क्यों चूज़ किया? क्या आपके खून में है या आपके पेरेंट्स हैं या आपके कोई खानदान में कोई जी कहते हैं, मैं तो ये कहूँगा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है.
नहीं, मैं हिंदुस्तान में भी भारत में भी काफ़ी पॉलिटिकली अटैच था. जो मेरे पिताजी थे वो आज़ादी मूवमेंट में इन्वॉल्व थे. अच्छा. और उनका भी थोड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में. और उन्होंने हम चार भाई बहनों में से मुझे ही हमेशा आगे रखा, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, संजय गांधी और जो भी दूसरे बड़े बड़े नेताओं थे उनको, उनसे मिलाया मुझे, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन होती रहती थी. और वहीं से एक मेरे ये जो पॉलिटिकल आप कहते हैं इंस्टिंक्ट या बीज उन्होंने बो दिया था, तो वो मुझे वहीं से काफ़ी जो ये पॉलिटिकल लाइफ में मैं इन्वॉल्व हो गया काफ़ी यंग एज से. तो फिर स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पर भी इलेक्शन लड़े, स्कूल के इलेक्शन प्रीफेक्ट के लिए, फिर कॉलेज में काउंसिल के लिए. तो बस ये एक वो रास्ता बनता गया और ये जो पॉलिटिकल एम्बिशन मेरे अंदर आता रहा. जी. और लोगों का सपोर्ट. हाँ. लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से. मैं यहाँ देखता रहा, फादर को मैं, आपके फादर को मैं अच्छी तरह पहचानता भी था, उनसे कभी बात भी करता. लेकिन आज इस समय जब इतनी खुशी का मौका है वो आज नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो घड़ी है, ये जो खुशी है, काश मैं अपने माता पिताजी से शेयर कर पाता. और क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है. आप जैसा आपने कहा, मेरे पिताजी तो स्पेशल फ्लाइट लेके आते थे मेरे हर एक इवेंट्स अटेंड करने. पर मुझे लग रहा है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है. मैं उनकी प्रेजेंस महसूस कर रहा हूँ और ये आशीर्वाद मेरे पास रहेगा. बस यही एक कमी है कि एक जो बच्चों को, एक बेटे को, अपने माँ बाप को जो एक खुशी देने का एक सपना होता है, कि वो मैं, मेरे को लगा कि वो कमी मेरे दिल में हमेशा रहेगी. लेकिन ये मैं खुशी उनके साथ बांट नहीं सका. जी हाँ, आपके माँ बाप को हम मिस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी वो हैं सुन रहे होंगे, क्योंकि ये ऑन एयर जी हवा में तरंगे तो जाती हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे जी. कि जो मैं यही कह रहे होंगे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा और सबका, सबका नाम रोशन करेगा. उनका नाम रोशन किया आपने. चलिए एक प्यारा सा गीत हो जाए. जी हाँ, आई नो यू आर गेटिंग इमोशनल नाउ. नहीं नहीं, मैं खुद इमोशनल हो रहा, मेरे आँख में आंसू आने आ रहे हैं, क्योंकि मैं फादर के आपके बहुत करीब था, बहुत अच्छे से जानता था और हमेशा आपके कैंपेन में हमेशा एज ए ट्रू वॉलंटियर की तरह काम करते थे. जी, चलिए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक. लगे रहिए दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के आप लाइव भी सुन सकते हैं अपने ऐप द्वारा, जी हाँ, एंड्रॉयड ऐप और मोबाइल फ़ोन द्वारा. लगे रहिए, सुनते रहिए. आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. नो रियली, आई मीन इट. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल. Hey, hey.
जी हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जी हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, नाम किया है, बहुत ही नाम रोशन किया है अपने माँ बाप का श्री दीपक राज जी ने। और टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, और किशोर नंगरानी जी लिख रहे हैं, जी हमारे आरजे किशोर जी लिख रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीपक, ही हैज़ मेड अ हिस्ट्री बींग द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देर विल बी मेनी मोर इन फ्यूचर बट द फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी द फर्स्ट वन। ये बात तो है, इन्होंने तो बाकी चलिए। और लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी जी। साक्षी जी हेलो, नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, मैं अभी इनका दीपक राज गुप्ता जी का लाइव इंटरव्यू सुन रही थी रेडियो मनपसंद से। तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम, लाइक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर होल ऑफ द कैनबरा, एंड इफ इज देयर सो कैन आई गिव अ कांग्रेचुलेट। बिल्कुल, वो सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं आपको। साक्षी जी, आपकी शुभकामनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। Yeah, and the biggest thing is आप चंडीगढ़ से, हम भी चंडीगढ़ से हैं। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत बड़ी proud moment है for all चंडीगढ़ियन, like कि हमारा like शायद मैं आपसे बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, like मैंने अभी देखा कि आप 89 में मेलबर्न आए थे, जी जी, and I was 84 born, तो okay. मैं तो थी। तो जब आप लोग खेल रहे थे इंडिया में तो यहाँ मैं काफी झाड़ू लगा चुका था। लेकिन देखा, मैंने आपको विश करना था, लेकिन ये बहुत लाइक आई फील सो गुड कि लाइक कोई चंडीगढ़ से यहाँ पे एमएलए की पोजीशन पे उनको, मतलब वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, दैट्स अ रियली बिगेस्ट थिंग। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, आपकी शुभकामनाओं का। जी हाँ, कल ही चंडीगढ़ के नहीं है, पूरे इंडिया के हैं। यहाँ यहाँ भाईगिरी बहनगिरी नहीं चलेगी। नहीं, अभी हम चंडीगढ़ क्लब बनाएंगे। गर्व से कहिए हम भारतीय हैं, इंडियन हैं। चलिए, बहुत बढ़िया साक्षी, लगे रहिए, सुनते रहिए आप। हाँ, वो तो टॉप पे है, इंडियन तो है ही है। हाँ, ये बात है। उसके बाद लेकिन एक होता है ना कि हाँ, वो चंडीगढ़ से है। हमें एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया, दैट्स राइट। और आज इंडिया का मैच इंग्लैंड के साथ है, इंडिया को सपोर्ट करना है, चंडीगढ़ को नहीं। नहीं नहीं, हम तड़का, मैं तड़का लगा रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा साक्षी, थैंक यू सो मच, लगे रहिए। आपका क्या एंड्रॉइड, कौन से ऐप से सुन रही है? FM 91.1 पे ऐप से सुन रही। वेरी नाइस, कैसा, हाउ इज इट, लाउड एंड क्लियर? कांग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू। 7 days 24/7 कर दिया आपने रेडियो मनपसंद, तो दैट्स वेरी नाइस, हमें भी अच्छा लगा, लगे रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू फॉर सो मच कॉलिंग, बाय बाय, थैंक्स साक्षी। जी हाँ, जी थी साक्षी, बात कर रही हैं जी दीपक जी, और भी कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आ रही हैं। जी सुरेंद्र शर्मा जी भी लिख रहे हैं कि मनीष जी सारनियों नो बधाइयां। यार ये पंजाबी या चंडीगढ़ शुरू हो गया लग रहा है। ये आप ही पढ़ दो यार। सबको बधाई। ठीक है, दीपक जी के साथ साथ सबको बधाई, ये तो है, ये तो बात सही कह रहे हैं। सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच, सुरेंद्र एंड ज्योति जी क्वींसबेन से लिख रहे हैं। और भी अगर आपको टेक्स्ट मैसेज फोन कॉल्स भेजना है तो प्लीज फोन कीजिए 6287-4348, लगे रहिए, सुनते रहिए। दीपक जी से बात अब थोड़े बंद करते हैं। दीपक जी के बाद जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो अब आ जाते हैं आपकी फैमिली मेंबर्स पे। जी हाँ, फैमिली मेंबर्स जिसमें आ जाती हैं आपकी धर्मपत्नी शुचि जी। शुचि जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके रेडियो के लिए। अरे वो ये तो छोटा सा काम मेरे को लग रहा था कि मैं सबसे पहले खुशखबरी दूं, उससे पहले ही एक और राज गुप्ता पर बारे बाजी मार ले गए। नहीं नहीं, बहुत 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 खुशी हुई, ये तो एक छोटा सा काम था, ये तो हम समाज सेवा में जैसे दीपक जी लगे, हम भी लगे हुए। लेकिन शुचि आपका भी बहुत सहयोग रहा है, चाहे वो रेडियो मनपसंद हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपने सहयोग दिया है, जो आप साथ में रही इतने, क्या कहते हैं, 18 साल हो गए इनको यहाँ पे कार्य करते हुए। शादी हुए तो 22 साल हो चुके हैं, 23वां है ये। शादी के बाद तो ठीक है, लेकिन 22 साल से जो अपने ये एक कहते हैं ना कि एक नई बीबी के साथ यानी कम्युनिटी के साथ रहते हैं, ये तो मेरे साथ भी है, मेरी बीबी भी यही बोलती है कि आप घर में कम रहते हैं, दूसरों के साथ ज्यादा घूमते हैं। चलिए, ये एक सहयोग रहता है, लेकिन थैंक यू। और ये इसके मैं घूमता नहीं हूं दूसरों के साथ। कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ ये बात तो है, लेकिन शुचि थैंक यू, आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं कि इट्स ऑल योर सपोर्ट एंड लव और आशीर्वाद, और ये कहिए कि साथ में रहना, और मैं बच्चों के साथ भी आता हूँ, मलिका भी है यहाँ पे स्टूडियो में, मलिका
बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत बधाई और आपको भी शुभकामनाएं. साथ में हमारे छोटे साहबजादे भी हैं. हाउस थिंग्स बड़ी. गुड अंकल. कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बस बढ़िया. और कैसा लग रहा है आप लोग बताइए. एज ए पहले शुचि से स्टार्ट करेंगे कि अब आपको आपका पति और भी नहीं दिखेगा. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि जिस आपसे 15 सालों से ऑलमोस्ट मिसिंग थे घर में. हाँ. पर बहुत खुशी की बात है. बहुत अच्छा है. फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम. और कि जो अचीव किया है, जो एक सपना था. पहले जब जीतते तो ऑब्वियसली बात कुछ और होती क्योंकि उनके पेरेंट्स साथ में थे. पर चलिए, इट्स नेवर टू लेट. देर आए दुरुस्त आए. तो ऑब्वियसली ये कम्युनिटी लीडर हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी में. घर में कभी कभी कमी महसूस होती है जब बच्चों के यू नो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, स्विमिंग होती है, इनकी एक्टिविटीज़ होती थी. तो अकेले मैंने ही सब संभाला था. पर इसमें उनको खुशी मिलती है कम्युनिटी की सेवा करने में. तो मुझे खुशी है कि अब थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा. और सबसे बड़ी बात है, वी विल गेट पेड फॉर दैट. सो सो नहीं, मुझे बहुत खुशी है. और बनिया तो बनिया ही रहेगा. सही बात है. नहीं, बहुत खुशी की बात है. और मुझे काफी गर्व है खास कर से कि हमारे इंडियन कम्युनिटी का सर जो है वो ऊंचा हो गया. अब आप ये बताइए कि MLA की पत्नी होना, वो आपको कैसे फील हो रहा है? अभी तो कुछ मुझे खुद नहीं पता कि मेरा रोल क्या होगा. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. पर जाहिर सी बात है, जिम्मेदारियां थोड़ी और बढ़ जाएंगी घर के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. देखिए, एक बात अच्छी है कि आपके बच्चे अब बड़े हो गए. बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं. हाँ. तो और बाकी मल्लिका तो खुद काफी इन्वॉल्व है कम्युनिटी में. वो तो खुद है, शी इज अ योगा टीचर, इंस्ट्रक्टर है. और सर पॉलिटिक्स में भी काफी इन्वॉल्व हो गई है. उस बारे में मैं बात करूंगा कि वो पापा के पदचिन्हों पे चल रही है. दादाजी के तीन कुत्ते भी हैं, वो भी हमारा परिवार. वो अच्छा, वो सुन रहे हैं इस समय? वो भी सुन रहे हैं. अरे उनको भी लेके आना. उनकी फोटो आई है कैनबरा टाइम्स में. अच्छा, तो वो भी सुपरस्टार हो गए आपके चलते. वो भी सेलिब्रिटीज हो गए. देखिए, उनका भी ख्वाब पूरे हो गए. हम जो ख्वाबों की बात कर रहे थे तो उनके भी ख्वाब पूरे हो रहे हैं. बहुत बढ़िया. थैंक यू शुचि जी, बहुत अच्छा लगा. चलिए, आगे भी बात होती रही और मीडिया और आपके पीछे लगा ही रहेगा कि क्योंकि आप इनका फेस भी दिखेगा, साथ में आपका भी फेस दिखाई देगा पूरे कैनबरा के ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में. बात करते हैं मल्लिका से. जी हाँ मल्लिका जी, अब तो योगा में तो एक्सपर्ट हैं ही, साथ में अब पॉलिटिक्स में भी आ रही हैं. मल्लिका, डू यू वांट टू से, हाउ डू यू वांट टू सी दिस विक्ट्री फॉर योर डैड? आई मीन, हमारे लिए इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकती है जब घर में इतना बड़ा इंस्पिरेशन है. बट हमें, लाइक फॉर मी एंड अश्विन, हमें पहले ही पता था. वी सॉ द टैलेंट पापा, जो उन्होंने कम्युनिटी के लिए किया. नॉट जस्ट इंडियन कम्युनिटी, बट द होल पूरे एथनिक कम्युनिटी जो है कैनबरा में, खासकर गनगालन में. तो जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो उन्होंने लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी दिखाया है, तो वी ऑलवेज सॉ अ हीरो इन हिम एंड अ ग्रेट लीडर इन हिम. और यू नो, लाइक दे से, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ स्ट्रांग सपोर्टिंग वुमेन. तो जो मम्मी का जो सहारा रहा है, जो सपोर्ट रहा है, what they've done, the empire that they've created for Ashwin and I. हमें तो इसे और बड़ा करना है, हम इसे कम कर ही नहीं सकते अब. और दीपक जी के जिंदगी में खाली एक वुमेन नहीं, तीन थी. उनकी मदर थी, बीवी थी और बेटी अब हो गई है. तो तीनों का सपोर्ट मिला हुआ है. और that's a fantastic support. And you have become a vice president of, अभी आपने junior, बताया? जी, junior vice president of गनगालन labor sub branch. अरे क्या बात है, बधाई हो, congratulations. Thank you so much. उसके बारे में अलग से आपको एक बुलाना पड़ेगा स्टूडियो में और आपसे गपशप पड़ी. पूरा परिवार ही ये लग रहा है. मुझे अलग एक रेडियो चैनल ही खोलना पड़ेगा, खाली दीपक राज चैनल, समझे कि दीपक राज मनपसंद समथिंग. थैंक यू मल्लिका, आप लगे रहिए एंड यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. एंड यू ऑलवेज, आपको तो योगा एज ए टीचर एंड वो मेडिकल योगा आप जो कर रही हैं, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. बात करते हैं अश्विन से. जी हाँ, द यंगेस्ट मेंबर, यंगेस्ट मेंबर तो आपके दो तीन कुत्ते हैं वो तो. लेकिन ही इज वन ऑफ द डायनेमिक, बहुत शांत रहता है. मैंने इसको कभी आवाज बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन पता नहीं किस पे गया. नहीं नहीं, ये अपनी दादी पे गया है. दादी कम बोलती थी तो इसलिए. चलिए अश्विन, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन. आपके डैडी इज बिकमिंग एन MLA. हाउ डू यू फील? खुशी तो है. खुशी है, प्राउड भी हूं. प्राउड है. और आप स्कूल जाएंगे तो आपको आपके यार दोस्त बोलेंगे, यार ये काम करा दो यार, आपके आपके पापा अब तो पार्लियामेंट में चले गए. ये काम है, ऐसा कुछ होने वाला है या एक्सपेक्टेड है या शुरू हो गया ऑलरेडी?
देखते हैं जब स्कूल जाऊंगा। तो अब क्या कैसा आप बताइए, अब क्या एक्सपेक्टेशंस रह जाएंगे पापा से? पापा जैसे मैंने कहा कि पापा अब कम दिखाई देंगे, कम बात करेंगे, वो हमेशा फोन पे लगे रहेंगे या एंड्रू बार की ज्यादा सुनेंगे, आपको क्या लगता है? वो पहले पापा बहुत बिजी थे CIC में, मल्टीकल्चरल फेस्टिवल में, अब और भी बिजी हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन पापा ने आपको सपोर्ट किया है, पापा आपके होमवर्क कराते हैं? नहीं, होमवर्क तो नहीं कराते, होमवर्क नहीं कराते। पापा अपने ही डिफरेंट काइंड ऑफ होमवर्क में लगे रहते हैं। चलिए, थैंक्स अश्विन। और आप, डू यू वांट टू कम इन पॉलिटिक्स एज योर, आपकी दीदी आई हैं, डैड है? मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन इन दोनों जैसा नहीं है इंटरेस्ट। यू भी आप मेरी तरह वॉलंटियर ही रही है, अच्छा है ना? कोई पीछे सपोर्ट भी चाहिए होता, हर कोई अगर स्टेज पे खड़ा हो जाए तो फिर स्टेज मैनेजर कौन रहेगा, है ना? यू आर ही इज वेरी गुड स्टेज मैनेजर, इसको देखा मैंने एमसी करते हुए और म्यूजिक चलाते हुए, वीडियो करते हुए, एंड ही इज अ वेरी गुड स्टेज मैनेजर। थैंक यू सो मच। और शुचि, आपके पसंद का कोई गीत हो जाए इस समय, आप अगर डेडिकेट करना चाहें अपने पति देव को, अब तो पति देव नहीं, एमएलए देव को। कुछ मल्लिका बता रही है गाना, ठीक है, मैं कुछ लगा देता हूँ आपकी तरफ से। आप लगा गाइड का बहुत ही प्यारा गीत है, तेरे मेरे सपने आज अब एक रंग है, जो जहाँ ले जाए सब आपके, और जितने भी सपने आपके सब एक ही संग है। चलिए, लग रही दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर, साथ में लाइव 24/7 ऑन योर एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप तो नहीं है लेकिन सिंपल रेडियो पे आप सुन रहे हैं, वेबसाइट से सुन रहे हैं radiomanpasand.com पर। तो बस आप लगे रहिए और सुनते रहिए। जी हाँ, कुछ पूछना चाहें जी दीपक जी से तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिए 04218980 95, और नहीं तो आप स्टूडियो फ़ोन कर सकते हैं जी 6287-4348। जी हाँ, लगे रहिए और सुनते रहिए। फीडबैक देना चाहें जी हाँ, tadka@radiomanpasand.com। फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, facebook.com/radiomanpasand.com। ये प्यारा प्यारा सा गीत शुचि जी, आपकी पसंद का, टू दीपक जी। और जी हाँ दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। अब एक रंग है, तो जहां भी ले जाए राहे हम संग है, तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तेरे मेरे सपने, और ये सपने जो जी दीपक जी ने तो देखे, साथ में शुचि इनकी जो धर्मपत्नी हैं उन्होंने भी देखे, और हमारे जितने भी भारतीय समुदाय के भी सपने थे कि कोई हमारा भारतीय लीडर किसी पार्लियामेंट में तो जाए। जी हाँ, वैसे तो फेडरल पार्लियामेंट में आ चुके हैं लेकिन भारतीय मूल के, लेकिन दे आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे ख्याल से आप इंडियन सिटीजन तो नहीं, आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं इंडियन सिटीजन नहीं, मैं OCI भी नहीं है आपके पास? जी नहीं, OCI है। अच्छा, पर वो यहाँ पर ACT में उसका वो उतना लागू नहीं होता। हाँ, ये आई थिंक मीगन जो अभी अपना इंटरव्यू जो दे रही थी वो कह रही थी आई एम प्राउड टू बी
न्यूजीलैंड सिटीजन, वो शायद हो सकता है वो वहां चली भी जाए. शी इज रेडी टू गो देयर एंड लाइफ में कुछ भी हो सकता है. लाइफ में कुछ भी हो सकता है. तो नहीं मैं कुछ कहना चाहिए. मैं ऑस्ट्रेलियन, पहले हम वी आर ऑस्ट्रेलियन नाउ, ठीक है. और जो हमारी फैमिली वैल्यूज हैं वो इंडियन हैं, वो हमेशा रहेंगी. तो बस ये है मनीष जी कि यहाँ पर जो हम लोग भारतीय मूल्य के लोग आए हैं, हम बहुत ही एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है हमारी. हम लोगों ने बहुत योगदान दिया है यहाँ पर इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली. और इसके लिए हम लोगों ने जो अपनी जगह बनाई है समाज में वो बहुत ही उत्तम, जो हम लोगों का पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है. और ये मेरे आने से, जैसे मैं नील आर्मस्ट्रांग के रिवर्ड करूंगा कि ये दीपक राज का बहुत एक स्मॉल स्टेप है, पर इससे जायंट स्टेप फॉर द इंडियन कम्युनिटी. क्या बात है, बहुत तो बढ़िया जी. हाँ, इट विल बी अ गुड टैगलाइन. तो ये आने वाले जो हमारे जो सेकंड पीढ़ी है, आप और हम तो पहली पीढ़ी से अब हो गए हैं, तो वो हमसे बैटन लेंगे. तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंकरेजिंग इशू है, एक पिक्चर है कि अब हम लोग मेडिसिन, पब्लिक सर्विस, बिजनेस के अलावा ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पर हम जा सकते हैं. और हम लोगों को जाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पॉलिटिकली स्मार्ट होना पड़ेगा. इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद हम लोगों को एक वोट बैंक बन के नहीं रहना चाहिए. वी शुड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू डिसीजन मेकिंग. तो ये मैं सबसे, मेरा अनुरोध है जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, वो लोग कोई भी हो उसको पार्टिसिपेट करें, कोई भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं करें, पर आप समझे कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं. और वही जो हमारे समाज में बहुत होता है कि हम लोग, कई हमारी ज़रूरतें हैं उसकी बातें हम घरों में ड्राइंग रूमों में ही करके रह जाते हैं. बहुत सही है, ये एक प्रॉपर चैनल है आपको अपनी आवाज़ उठाने का. और अगर आप ये आवाज़ उठाएंगे तो ये आवाज़ असेंबली पे पहुँचेगी, तभी वो बातों का अमल होगा. वेरी नाइस, थैंक यू दीपक जी. आपने बड़ी अच्छी मार्गदर्शन दिया जो सपने देख रहे हैं पॉलिटिक्स में या किसी भी क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब पीछे मत रहिए. एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि क्रिकेट की तरह हमारा डिस्कशन होता है, जैसे डाइनिंग टेबल पे या लॉन्ज रूम में बैठे हुए, यार यार ये बॉल ऐसी नहीं फेंकनी चाहिए, ऐसी फेंकनी चाहिए थी. वी कांट डू इट, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर ड्राइंग रूम. देखिए, लाइफ में सेटबैक होते हैं और उससे बाउंस बैक करना ही उसकी वो जीत होती है. तो मैं तो यही करूँगा, बी पॉजिटिव. जहाँ आप कंट्रीब्यूट करना चाहें कम्युनिटी में करें. आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं मनीष जी, हमारे यहाँ और समाज के जो लीडर हैं वो कर रहे हैं. मैं तो कहूँगा जो हमारी CIC है, IAC है, फिनेक्ट है, जो भी एसोसिएशन को आप सपोर्ट करना चाहते हैं करें, पर बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच. हमारे साथ सुखविंदर सागू जी लगे हुए हैं, सुन रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एक्सेलेंट राज फैमिली इंटरव्यू, दीपक राज फैमिली, मतलब मेरा राज नहीं, दीपक राज हमारे फैमिली के तहत. कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीपक एंड फैमिली, वेल डन रेडियो मनपसंद एंड एक्सेलेंट इंटरव्यू. थैंक यू सुखविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आप लगे हुए हैं. और सुखविंदर जी का बहुत सहयोग रहा है मेरी इस जर्नी में 15 सालों से. फोटोग्राफ्स अब कौन खींचेगा, वही खींचेंगे. नहीं, बस यही कहेंगे. और कुछ कहना चाहेंगे अपने कम्युनिटी को, अपने भारतीय समुदाय को, मल्टीकल्चरल कम्युनिटी को, कि जिसके सपोर्ट सहयोग से आप यहाँ. नहीं, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आभारी रहूंगा. और आपको कोई भी, आपकी कोई ऐसा इश्यू हो, समस्या हो, प्लीज आप मेरे पास आइए और मैं अपनी पूरी श्रद्धा से वो आपकी समस्याएं और जो आपके काम हैं, इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करने में जी जान कोशिश करूंगा. बहुत आशा है आपसे, बहुत आशा जी, है जी, बिल्कुल. लोगों की विश लिस्ट ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है. क्योंकि स्टूडियो में इससे पहले जो एलेना थी वो उसने पहले ही बोल दिया है कि वी वॉन्ट दीपक एज मल्टीकल्चरल मिनिस्टर. अब ये मिनिस्ट्री आपके हाथ में तो नहीं है. नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपको मल्टीकल्चरल मिनिस्टर बना दिया है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं. मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी या चीफ मिनिस्टर एंड्रू बार जी देंगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसको अच्छी तरह डिलीवर भी करूंगा. वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू दीपक जी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज ए डिफरेंट पर्सन मेरे हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा. और आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां. और एज यू सेड कि एक महीना आपको अभी बहुत सारा होमवर्क करना है. चलिए, आप लग जाइए कल से अपने काम पर, अपने किताबें खोलिए, कमरे में बंद हो जाइए, किसी से बात मत कीजिए. लेकिन हाँ, लोग इनसे संपर्क करते हैं. लेकिन आपने जैसे कहा कि 1 अगस्त से
आप लोगों की जो भी विश लिस्ट है, जो भी समस्या है, समाधान जो भी है, उनसे आप बात कर सकते हैं. बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद मनीष जी. आगे भी आपसे एज ए मिनिस्टर नहीं तो एमएलए आपसे और बातें होती रहेंगी. लेकिन अगले साल इलेक्शन है 2020 में, शायद अक्टूबर में होंगे, फिर आप खड़े होंगे डेफिनेटली. वही मैंने कहा, एक कई लोगों ने कहा कि हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड बट वी हैव टू रिपीट द हिस्ट्री. हम चाहेंगे फिर वापस आए 2020 में. और बस यही कहेंगे. शुचि जी थैंक यू सो मच. दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मलिका, थैंक यू अश्विन, थैंक यू स्टूडियो में आए. आप सभी को खूब सारी बधाइयां और आपके मम्मी डैडी जो सुन रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे भी हैं उनको भी बहुत तहे दिल से कि ऐसा आपने बेटा दिया है जिन्होंने हमारा सबका नाम रोशन किया है भारतीय समुदाय का. थैंक यू. धन्यवाद करना चाहूंगा कम्युनिटी को. बिल्कुल. तो धन्यवाद. आपने एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया है अपनी कम्युनिटी को, अपने पूरे ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को, कि बस एहसान वो उनका हमेशा रहेगा, लगे रहिए. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर पूरा तड़का लगा के. जी और लाइव भी आप सुन रहे हैं ऑन ऐप्स रेडियो मनपसंद .com पे, फेसबुक पे भी लगे रहिए और सुनते रहिए. जी हाँ, श्री दीपक राज जी से हम लोग बात कर रहे थे. ही इज़ बीन, अगर आपने लेट ट्यून किया तो आपको, या आपने कभी मीडिया या न्यूज़पेपर या फेसबुक पे आप नहीं गए, आपको पता नहीं है, तो श्री दीपक राज गुप्ता जी हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंडियन बॉर्न ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन द एसीटी पार्लियामेंट. तो बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं. तो ये प्यारा सा गीत दीपक जी के लिए, दीपक जी की पसंद का, आप सभी के लिए. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से. तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, अरे सौ बार शुक्रिया. यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, अरे सौ बार शुक्रिया. बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मन पसंद ऑन एफएम 91.1 पर. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के. जी हाँ, और बात कर रहे थे श्री दीपक राज गुप्ता जी से.
तो उनको खूब सारी शुभकामनाएं जी हाँ। समय और आगे भी हमारा जी कार्यक्रम चल रहा है, और अगर आप लोगों को कोई फीडबैक देना हो तड़का एट रेडियो मनपसंद डॉट कॉम दे सकते हैं, स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं 6287-4348। जी हाँ, मकरंद काली जी का फ़ोन आया, और मकरंद जी और उज्जवल जी सुन रहे हैं, वो भी बधाइयाँ दे रहे हैं श्री दीपक राज जी को कि, और चलिए वो ही कह रहे हैं कि बस अब हम जल्दी उनको थोड़ी सी विश लिस्ट पकड़ाएंगे कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो दीपक जी आप तैयार रहिए, बहुत सारी लंबी लिस्ट आने वाली है आपके पास, लेकिन एनीवे आप लोग लगे रहिए और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन एफ एम 91.1 पर, और ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं जी हाँ 24/7 सातों दिन। और अब थ्रू जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये क्यों है ये क्या खबर है, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी स्थिति के बारे में शर्मिंदा हूँ और पता नहीं कि किससे बात करूँ। क्या मुझे अपने पार्टनर को मेरी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताना चाहिए? विश्वसनीय व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह कहाँ मिल सकती है? बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और एसटीआई के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। क्या आप अच्छे हैं? तथ्यों को जानिए और जाँच करवाइए। allgood.org.au पर जाएं। अब आप अच्छे हैं। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर। यहाँ पूरा तड़का लगा के, और आपको बता दें कि दीप्ति नवल आप कैनबरा तो नहीं आ रही, लेकिन दीप्ति नवल आ रही हैं सिडनी, पोइटिक इवनिंग विद दीप्ति नवल जो कि फ्राइडे 12 जुलाई को है। जी हाँ, 12 जुलाई को शाम के 7:30 बजे द पाइनियर थिएटर जो कि पेलेंट स्ट्रीट कैसल हिल में। अगर सारी जानकारी लेनी हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, नहीं तो आप मंजू मित्तल जी से फ़ोन कर सकते हैं 04252043640425204364। जी हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस उस ज़माने की, जी हाँ 70s 80s में हम इनको देखते हुए पले बड़े हैं। जी हाँ, दीप्ति नवल शी वॉज अ फैंटास्टिक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। साथ में जी हाँ SRK, जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि SRK यानी शाहरुख खान किंग खान आपके कैनबरा तो नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती में लैंड करने वाले हैं फिर से। जी हाँ, वो आएंगे मेलबर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल लगने वाला है वहाँ पर मेलबर्न में, और उसके लिए वो SRK यानी किंग खान आ रहे हैं। 8 अगस्त को वो इंडियन फिल्म फेस्टिवल के मुख्य अतिथि होंगे। अगर आप जाना चाहें तो उनसे मिलना चाहें या देखना चाहें कि कैसे लगते हैं। आजकल तो खैर उनकी पिक्चर उतनी नहीं चल रही है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया चल रही है। मेलबर्न जा सकते हैं जी हाँ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल iffm.com.au पे आप जाके टिकट ले सकते हैं। साथ में जी हाँ, जिसका आप गाना मेरे पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, जी हाँ कल होना हो, सोनू निगम आ रहे हैं। जी हाँ, सोनू निगम शनिवार 20 जुलाई को आ रहे हैं सिडनी। जी हाँ, और इसकी काफ़ी सारी टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, 80% सोल्ड आउट हैं, कुछ ही टिकट्स बची हैं। अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ जाके जा सकते हैं dryTickets.com.au। जी हाँ, dryTickets.com.au। सोनू निगम इन लाइव इन ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट सैटरडे 20 जुलाई को एट द हिल सॉन्ग कन्वेंशन सेंटर बॉकम हिल्स में। और फ़ोन करना चाहें तो लता जी को फ़ोन कर सकते हैं 0404-272-412। लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, कल हो ना हो आज के लिए मज़ा करिए। जी हाँ, कल क्या हो जिंदगी में कुछ नहीं पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा, यही मेरा मोटो है, यही मेरा टैगलाइन है। आप भी इंजॉय कीजिए, लगे रहिए, सुनते रहिए बस। और हम जल्द बात करेंगे, श्री कृष्णा नदिमपल्ली जी आ गए हैं। जी हाँ, उनसे हम गपशप करेंगे, उनके अवार्ड जो मिला है OAM का उस बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, फ़ोन करना चाहें आप, कृष्णा जी से बात करना चाहें या जनरल कोई भी फीडबैक देना चाहें, सजेशंस देना चाहें, तो प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए एट 6287-4348, नहीं तो ईमेल है tadka@radiomanpasand.com। लगे रहिए और सुनते रहिए।
उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, जो जी हाँ, जो आपके पास जो समा है उसको प्लीज इंजॉय कीजिए अभी बाहर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर ठंड में जाके इंजॉय करने लग जाएं, जी हाँ, ये मतलब मेरा यही है कि जिंदगी को खुल कर जिए, जो है आज कहते ना कि अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या हो किसको पता, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या होना, लेकिन जी हाँ, मिरेकल्स में आप जरूर विश्वास रखिए, ख्वाब अपने रखिए, सपने रखिए, जरूर पूरे होंगे। और एक ख्वाब और सपने लेकर हमारे साथ जो एक और विशेष मेहमान जी हाँ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ शामिल हैं हमारे स्टूडियो में और हमारी हमारे रेडियो मनपसंद की शोभा बढ़ा रहे हैं, श्री कृष्णा नदिमपल्ली जी। कृष्णा जी हमारे स्टूडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि अभी जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा हमारे फेसबुक के द्वारा भी आपको पता लगा होगा कि कृष्णा जी को हाल ही में जो क्वींस बर्थडे ऑनर्स है उसमें ऑर्डर ऑफ मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। और कृष्णा जी एज और कृष्णा जी का इंट्रोडक्शन भी जरूरत नहीं, जैसे दीपक राज जी का भी था, ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सो मेनी कम्युनिटी एक्टिविटीज़। अभी वो फिनैक्ट के प्रेजिडेंट भी हैं, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ ACT, वो प्रेसिडेंट भी हैं, साथ में कई सारे कार्यों में बिजी हैं। अभी कैनबरा हिंदू मंदिर के लिए भी बहुत कार्य कर रहे हैं और तेलुगु एसोसिएशंस में भी बहुत कार्य कर चुके हैं। और क्या क्या कहाँ कृष्णा जी कहाँ नहीं है ये बताइए। ये कृष्णा जी कृष्णा जी वेलकम टू रेडियो मनपसंद, आपका अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत सारी बधाई आपके इस ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल के लिए। धन्यवाद मनीष जी एंड धन्यवाद फॉर रेडियो मनपसंद श्रोताओं के लिए। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर विथ यू ऑल। बताइए सबसे पहले मेरा प्रश्न, क्या सारे कैनबरा वासियों का ही पसंद है कि OAM मिलते ही आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? और सबसे पहले बताइए आपको ये अवार्ड जो होता है कैसे आपको पता लगता है? डू यू गेट एन ईमेल, डू यू गेट ए फोन कॉल, डू यू गेट ए, या आपको मीडिया के द्वारा पता लगता है?
ये प्रोसेस ऐसा है, मेरे को मिलने के बाद मैंने जाके पता कराया क्या प्रोसेस होता है. अच्छा. कोई समवन को नॉमिनेट करते हैं, फिर बहुत सारे रेफरीज होते हैं, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफिस में ये जो अवार्ड्स का एक सेक्शन होता है, दे डू द रिसर्च. और ये डेढ़ दो साल लगता है आपका नॉमिनेशन जाने के बाद. अच्छा. अवार्ड डिक्लेयर करने के लिए डेढ़ दो साल, डेढ़ साल वो रिसर्च करते हैं. अच्छा. एक पर्सन का ऊपर, फिर उसके बाद वो कमिटी को प्रेजेंट करते हैं. अवार्ड्स का एक कमिटी होता है, वो कमिटी दे सेलेक्ट फॉर विच अवार्ड. जब नॉमिनेशन करते हैं तो उसमें ये नहीं होता ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल है या AAM है या AC है, यानी कमेमोरेटिव अवार्ड और मेरिटोरियस अवार्ड, ये इसमें कौन सा कैटेगरी में जाएगा, दैट कमिटी विल डिसाइड. अच्छा अच्छा. ये बहुत लंबा प्रोसेस है. तो नॉमिनेशन किसी ने किया, आपका नाम किसी ने नॉमिनेट किया होगा, इट्स ऑल एनोनिमस. एनोनिमस किसने नॉमिनेट किया, यू डोंट नो. आई डोंट, यस. और फिर कोई सिलेक्शन किया, सिलेक्शन से कमिटी में गया, कमिटी ने डिसाइड किया कि व्हाट ऑर्डर ऑफ मेडल यू विल गेट. मेरिटोरियस अवार्ड दैट इज कॉल्ड AAM. अभी अपना धर्मेंद्र साहब को मिले थे, धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रोफेसर जो हैं. जी, वो अपना फील्ड में जिसमें हम नौकरी कर रहे हैं या अपना फील्ड में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होते हैं, उनको AAM देते हैं. और जो मुझे मिला जो OAM होता है, ये कम्युनिटी सर्विस या जो भी अपना अपना फील्ड में नहीं है, अपना पेड वर्क नहीं है, इट इज डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी और डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा आउटसाइड. सो उनके लिए OAM देते हैं. अच्छा. और इसका ऊपर जो है वो कमेमोरेटिव अवार्ड होते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट द नंबर वन. जैसे अपने इंडियन वे में सोचने से वो पद्म विभूषण होता है, फिर इसके बाद ये OAM जो होता है वो पद्म भूषण लेवल होता है. अच्छा अच्छा. और जो ऑस्ट्रेलिया में आके इतना बड़ा अचीवमेंट मिलना, वही मैं कहने जा रहा हूँ. इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट. और यस इट इज, या होता है. और मुझे दो महीना पहले एक ईमेल आया था, वो मेरा एक्सेप्टेंस मांगने. अच्छा. कि ये अवार्ड आपको सेलेक्ट किया है, ये इसका आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. अच्छा. फिर बट ये जो है वो हम, देर इज एन एम्बार्गो अंटिल दिस इज अंटिल द क्वींस बर्थडे. अच्छा. और आई थिंक वन वीक बिफोर वो फिर और एक ईमेल आया था, अभी वो मीडिया को रिलीज किए हैं, बट मीडिया वॉन्ट पुट इट आउटसाइड, बट दे कैन टेक द इंटरव्यूज. अच्छा अच्छा. तो इसलिए द सेम डे आपने देखा होगा वो इंडिया लिंक में, या नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज वो ABC रेडियो में था. मैं ऑलरेडी आपको, हाँ, वो पहले वो सब सेट करके रखते हैं क्योंकि उनका इन्फॉर्मेशन पहले, बट एम्बार्गो है, दे कैन नॉट पुट इट आउटसाइड until the governor general office declares. Okay, very nice. So, kuch awards jo ye jo Australia medal awards hain, kuch kabhi queen's birthday pe hote hain, kabhi Australia day pe bhi hote hain. Is it the same or kuch uske recognitions different hain? Har saal same hai, har saal do bar, saal mein do bar wo announce karte hain. Wo ek Australia day ke upar karte hain, ek queen's birthday ke upar karte hain. Acha acha. Yehi bataein OAM, ab aapka tagline ho gaya, Dr. Krishna Nadimpalli OAM. What does mean? अब आपके लिए कार्य और ज्यादा हो गया, expectations भी लोगों की ज्यादा हो गई है, अब आपको और मेहनत करना पड़ेगा. Is that what do you feel? Obviously, जब एक award मिला था मुझे तो वो सही में वो बिलीव नहीं कर पा रहा था. हाँ. ये मेरा ही है क्या. अच्छा. फिर उसके बाद लगा ये कोई भी एक, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हूँ, आप जानते हैं मैं आर्ट ऑफ लिविंग का वो बहुत इन्वॉल्व हूँ. और मैं ये सोच रहा था ये जो जब एक पर्सन होता है, इट इज़ नॉट वन पर्सन, उसके साथ पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होता है, फ्रेंड्स होते हैं, या वॉलंटियर्स होते हैं, या सो मैनी, इट इज़ ए बिग सिस्टम फॉर एवरी पर्सन. आप सेंटर में रहते हैं बट आपको सराउंडिंग में एक बिग सिस्टम रहता है. बिल्कुल. सो ये जब ये अवार्ड मिला था, ये अवार्ड इस सिस्टम को मिला है. और मैं सेंटर में हूँ इसलिए मेरा नाम पे दिया गया है, बट जो मेरा पेरेंट्स के तब से मेरा वो लर्निंग होते आ रहा है. और मेरा फैमिली का सपोर्ट है, और जो फ्रेंड्स है मेरा पीछे, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मी. एंड अभी
मुझे पता ही नहीं चला था मेरा पास इतना सारे एसोसिएशंस है एंड इतना सारा वॉलंटियर्स है. एक एक एसोसिएशन में एक बहुत बड़ा सा टीम है, लाइक कैनबेरा हिंदू मंदिर, वेरी बिग टीम. फिनैक्ट में इतना सारा एसोसिएशंस के साथ बहुत बड़ा टीम्स है. और जब मैं सोच रहा था, इट इज़ ऑलमोस्ट 500-600 लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और आपका भी सहयोग है इसमें. ओह थैंक यू. मेरा मुझे बड़ा मुझे इस मौका में पहुंचाने के लिए और कैनबेरा में जितना भी अपना कम्युनिटी है सबका सहयोग है, सबका कंट्रीब्यूशन है जो कृष्णा को बनाने में. सो इसलिए ये जो अवार्ड है ये अपना सबका अवार्ड है. बहुत बढ़िया. इट्स नॉट वन पर्सनस अचीवमेंट्स. चलिए और भी बहुत सारी बातें कृष्णा जी से बात करेंगे. जी हाँ दोस्तों, आपके भी दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है कृष्णा जी से बात करनी है या कुछ इनके जो प्रोजेक्ट्स अभी उनके बारे में बात करेंगे उस बारे में कुछ चर्चा करनी हो तो प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए स्टूडियो में 6287-4348, नहीं तो ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com. ऑनलाइन आप लोग जो सुन रहे हैं जी हाँ, वो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं जी हाँ. ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS करते हैं 04218980. और इनके पसंद का गीत भी सुन रहे हैं, कृष्णा जी के पसंद का आज गीत सुन रहे हैं, कुछ प्यारे प्यारे गीत. और इनके एक पसंद यही है कि नदियाँ चले चले रे धारा तुझको चलना होगा, यही उनका ये भी मोटो है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चलना है तो चलते ही रहना है. बहुत बढ़िया, थैंक यू. लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर जी हाँ, पूरा तड़का लगा के. ओ नदिया चले चले रे धारा, चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना. चलना होगा, तुझको चलना होगा, ओ
चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा जी हाँ तुझको चलना होगा और हम तो चल रहे हैं 24 घंटे सातों दिन यानी रेडियो मनपसंद आपके अपने हाथ में है जी हाँ मोबाइल फोन पे है आईपैड पे है एंड्रॉयड एप्स पे है और आप सुन सकते हैं 24 घंटे सातों दिन और radiomanpasand.com पे भी जाके आप सुन सकते हैं अमोद प्रधान जी का मैसेज आया कह रहे हैं कि ग्रेट प्रोग्राम वाज गुड टू हियर दीपक्स जर्नी एंड हिज स्टोरी अबाउट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन एंड अ ह्यूज थैंक यू टू यू फॉर फैसिलिटेटिंग दिस डेयर आई से द नेक्स्ट OAM हैज योर नेम रिटन ऑन इट नहीं नहीं भैया अमोद जी क्यों आप इतना बड़ा मेरे का नहीं उपाधि दीजिए बहुत मुश्किल है कृष्णा जी को मैं देख रहा हूँ उनके बाल उड़ चुके हैं मेरे भी उड़ जाएंगे श्री तरुण अगस्ती जी लिख रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन टू दीपक जी एंड कृष्णा जी एंड टू द होल कम्युनिटी दे आर मेकिंग अस ऑल प्राउड थैंक यू तरुण जी ऐसे ही लगे रहिए सुनते रहिए मैसेज भेजना चाहें कृष्णा नदीमपल्ली जी नहीं है डॉक्टर कृष्णा नदीमपल्ली जी OAM है जी हाँ OAM से हम गपशप कर रहे हैं लाइव बातें कर रहे हैं स्टूडियो में कृष्णा जी आप अपनी कुछ अपनी जर्नी के शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं को काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं है कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई हैदराबाद से आप आते हैं और फिर कैनबरा तक बीच में क्या क्या कहानियाँ हो बनी ये बताइए ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था एक बहुत छोटी सी गांव है आंध्र प्रदेश में कोस्टल एरिया में उस गांव में ना इलेक्ट्रिसिटी ना रोड ना कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं था इन 1960s और जब तक मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक इलेक्ट्रिसिटी रोड वगैरह कुछ भी नहीं था उस अच्छा, गांव में और मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरा घर में मेरा होल नडिमपल्ली फैमिली फ्रॉम द विलेज मैं फर्स्ट पर्सन और 10th क्लास पास हुआ था अच्छा और इसीलिए कोई गाइडेंस नहीं था गाइड हाँ सो फिर ऐसे ही और हमारा गांव में वो ईयर सिक्स नहीं है ईयर सिक्स से मैं 4 किलोमीटर पैडी का फील्ड का बीच में से वो सांप भी रहते हैं और रेनी डेज में इट वाज रियली रियली डिफ़िकल्ट और एक पेयर ऑफ कपड़ा वो अपना बैग में रहता था स्कूल में जाके चेंज करते थे राइट तो ऐसा ईयर सिक्स मतलब वो 10 साल का एज से 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना 8 किलोमीटर का जा अच्छा बाई फुट थ्रू द पैडी फील्ड अरे बा सो वहाँ से स्टार्ट हुआ और ईयर 12 में मैं फेल हो गया था क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं था फिर गाँव में आई वॉज सो डिप्रेस्ड एंड फिर गाँव में ईयर 8 में ईयर 12 में 12 में सॉरी ईयर 12 में फेल हो गया था फिर अपना गांव में जाए फिर मैंने दूध कलेक्शन का वो सेंटर खोला था और फिर हार्लिक्स फैक्ट्री को सप्लाई करता था अच्छा और 3 साल वो काम किया फिर उस टाइम में मेरा छोटा भाई 10th क्लास फेल हो गया फिर वो बोला मुझे पढ़ाई नहीं करना है फिर मेरा मदर बहुत सारा पैशनेट थे पढ़ाई का फिर उन्होंने बोला आप दोनों क्या करोगे ये छोटा सा खेत लेके फिर मेरे ठीक है मैं वापस जाऊंगा फिर मैं सप्लीमेंट्री ये 12 कंप्लीट करके फिर डिग्री में पहुंचा राइट देन मेरा मास्टर्स है IIT रुड़की ओह वेरी नाइस सो यानी वो 3 साल में आई मेड इट टू IIT रुड़की एडमिशन फॉर मास्टर्स आपकी वाकई दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो ईयर 12 में फेल हो गया आपके माँ बाप को कैसे फील हुआ जब आप ईयर 12 में बोला कि आदमी एकदम डीमोरलाइज हो जाएगा आजकल के बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं अगर वो फेल हो जाए क्योंकि ये मेरा पेरेंट्स अभी फादर तो ही वाज ओके ही इज़ लाइक कम्युनिटी लीडर अच्छा हमारा गांव में एंड ही वो सरपंच भी रह चुके थे हमारा गांव का और उस आसपास का गांव में उनका बहुत बड़ा नाम है एंड आज वो पोल्ट्री नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर है अच्छा ही इज अ पोल्ट्री फार्मर राइट फिर मेरे जर्नी उस टाइम में वो कुछ भी नहीं था हमारा फिर जब मैं ये डिग्री के लिए बाहर जा रहा था वो बोले थे ये तो मूवीज वहाँ तो 12 थिएटर है वो वहाँ फिल्म ही देखने जा रहा है ये पढ़ने नहीं जा रहा है बट अब मुझे मालूम था आई हैव टू मेक समथिंग फिर मैं IIT रुड़की में एक मास्टर्स किया दैट इज़ द वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर नेदरलैंड्स में है फॉर रिमोट सेंसिंग एंड लैंड रिलेटेड स्टडीज़ का सो उसमें से मैं अनदर मास्टर्स किया था फिर उसके बाद PhD किया
फिर ICAR में रिसर्च कर रहा था 12 साल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में बिफोर ऑस्ट्रेलिया आने से पहले. यहाँ आने के बाद आई एम ए साइंटिस्ट एट जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया राइट और काम करता था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. सो वो भी कम्युनिटी सेफ्टी का. सो इट इज़ क्लोज टू माई हार्ट. सो इसलिए इतना जोश इतना एनर्जी आ जाता है काम करने के लिए. सो वो चलते रहा काम करते रहा. तो यू लैंडेड इन कैनबरा. Landed in Canberra in the year 2000. 2000 में आप यहाँ पे आए सीधे. आपने PhD किया. PhD के बाद यहीं. PhD के बाद यहाँ सीधे आपको जॉब यहीं मिल गया था या आफ्टर 5 months. आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में पहले जॉब मिलना मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. वो तो सबने पापड़ बेले हैं. सबने एवरीथिंग सबको मालूम है. सबको पता है. फिर दैट इज माई फर्स्ट जॉब. अच्छा. अभी मैं August 15 को मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. जियो साइंस वाली सो दैट मैं पूरा का पूरा मेरा जीवन समर्पित है. क्या बात है. ये बात ये तो आप अभी वो उसका बारे में और बात करेंगे. बिल्कुल बात करेंगे जरूर. ये तो मैं आपकी स्टोरी सुन के बिल्कुल दंग रह गया हूँ कि जो लड़का ये 12 फेल कर दिया और यहाँ जो खड़ा हुआ है अवार्ड पा रहा है. दिस इज अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी. ये बड़े बड़े मैंने सबकी सुनी है. गांधी जी से लेकर कलाम जी का लेकर बड़े बड़े कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए. प्राइम मिनिस्टर जो कि बोलते हैं कि चाय वाला एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. तो जिंदगी में जैसे दीपक जी टैगलाइन कह के गए. अनुपम खेर प्रोग्राम चलाते थे कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए कभी भी जो भी मौका मिले इट्स ए डेस्टिनी आपके हाथ में. कभी कोई फ़ोन कॉल आ जाए ईमेल आ जाए कोई बोल दे कि भैया ये कार करोगे आप सीधे बोलिए यस मैं करूँगा. एंड हु नोज इट माइट चेंज योर थिंग. जैसे मैं आज रेडियो कर रहा हूँ मेरे को भी किसी ने पुश किया था. मैं खुद नहीं आया था. किसी ने बोला मनीष यू विल डू ए गुड जॉब एंड मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. मैं आप ये रेडियो में भी बोल सकता हूँ. श्री निरंजन अग्रवाल जी ने मुझे पुश किया था और मेरे जो आरजे मणि जी हैं दोनों ने पुश किया था कि मनी यू विल डू ए गुड जॉब और आज मैं जहाँ हूँ ये उन्हीं की बदौलत हूँ. तो इट्स ए डेस्टिनी. मैं तो ये आपकी जो कहानी है वो भी बहुत ही मोटिवेशनल है. चलिए आपके और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और भी बातें करेंगे. चलिए और कोई आपके पसंद के गाने यहाँ पे लगा रहे हैं तो लेकिन बस यही कहेंगे कि मैं आपके लिए एक गाना लगाता हूँ कि यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है एक पहिया. जी हाँ चलिए आप लोग लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. जी हाँ FM 91.1 पर. जी हाँ आप लोग लगे हुए हैं ऐप पे द्वारा. तो ऐप वाले जो है वो भी हमें SMS या टेक्स्ट या ईमेल करते सकते हैं tadka@radiomanpasand.com. और अमोद जी फिर से लिख रहे हैं कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर नदीमपल्ली जी वेल डन एंड रिचली डिजर्व्ड. वेल डन वंडरफुल थैंक यू. और भी जी हाँ मैसेज करना चाहें 04218980095 और फोन स्टूडियो का हमारा है 6287-4348. लगे रहिए सुनते रहिए आप भी यूं ही चलते रहिए लगे रहिए. तुझसे ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे दिल को है क्यों ये बेताबी किससे मुलाकात होनी है जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है. यूं ही चला चल रहा ही चला चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं रास्ता सब तेरा तक है भैया.
यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जाने किसका गांव है, बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहां ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, जीवन गाड़ी है एक पहिया, और यही गाड़ी चला रहे हैं जी, और हमारे कमेटी को, कैनबरा कमेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, मल्टीकल्चरल कमेटी को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर कृष्णा नदिमपल्ली जी। OAM का अवार्ड मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल मिल चुका है, और जी हाँ कृष्णा जी, आप कितने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रह चुके हैं, उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, क्या क्या आपने अभी तक, आपने कैनबरा में लैंड किया, आप शायद तेलुगु एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट बने, उसके बाद आपकी जर्नी मतलब शुरू हो गई अवार्ड के लिए, अवार्ड के लिए नहीं मतलब कहना चाहिए कि यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी एक्टिविटीज, और आगे फ्यूचर आप क्या करने वाले हैं? ये मेरा कैनबरा में आने के बाद जो भी मेरे पास आता है, मेरा एक ही ख्वाहिश है, उसको ना कहूँ। वेरी नाइस, जितना हो सकता है मेरे से वो करते जाओ। क्या बात है। सो ऐसा ही मेरा बचपन से ही वही नेचर है, जो भी मेरे से कुछ भी मांगे मैं जितना हो सकता है वो करते जा रहा था। एक दिन एक हमारा तेलुगु कम्युनिटी से कुछ लड़के हैं, उदय वो साथ में बनके एक कमेटी बनाए थे, फिर बाद में वो सोचे दे वांट समवन टू लीड, फिर वो मेरे को फ़ोन किए थे, कृष्णा जी आपको तेलुगु एसोसिएशन लीड करना है। फिर अच्छा। मैं बोला मैं सामने खड़ा नहीं रहता, मैं वॉलंटियर हूँ। अच्छा। हमेशा मैं वॉलंटियरिंग ही करता हूँ, सो मैं वही काम करते रहूँगा, और आप लोग कहो, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। राइट। फिर वो बोले थे आप सामने खड़ा हो जाओ, टेक द लीडरशिप, कोई पोटेंशियल आपके मैं दिखा होगा उनको, ये हो सकता है। फिर मुझे लगा ओके, वो भी तो वॉलंटियरिंग है। सो मुझे वहाँ वो लोग वहाँ खड़ा होने के लिए मांगे, तो मैं वहीं खड़ा रहूँगा। सो एक तेलुगु एसोसिएशन 2005-2006 में एक शेप दिया, एक कमेटी बनाए थे, वो कमेटी के हिसाब से वो एक शेप बनाया, फिर दो साल कैसा वो बिगर कम्युनिटी का जैसा हैंडल करते हैं वैसा करके, फिर मैं अपना कामों में बिजी था, फिर एक एनेबल कर दिया, वो एनेबलमेंट, सर्विंग फॉर एनेबलमेंट इज माई पैशन, दैट्स वॉट आई डू। अच्छा। मैं सोचता रहा मैं क्या करता हूँ, इफ समबडी आस्क्स आप क्या करते हो, सो मैं सोच रहा था हाउ टू टेल इट, देन आई रियलाइज दिस इज द वर्ड सर्विंग फॉर एम्पावरमेंट। मुझे लोगों को एम्पावर करना है, कम्युनिटीज को एम्पावर करना है, और दिस एसोसिएशन को एम्पावर करना है, और मैं यहाँ परमानेंटली रहने नहीं आया हूँ, कुछ साल, मे बी अनदर 5 years, 10 years, 20 years, दैट्स इट, फिनिश्ड। बट जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमेशा के लिए हम टीम्स को बना के रखना है। क्या बात। सो उनका वो दैट इज़ माय पैशन। फिर मैं वो तेलुगु एसोसिएशन को उनका हैंड ओवर किया था। फिर कुछ साल के बाद फिर मुझे इंडिया में था, मेरा लड़का का शादी करा रहा था, फिर वो बोले थे तेलुगु एसोसिएशन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, आप इसको प्रेसिडेंट ले लो। मैं बोला अरे यार मेरे को अभी लड़का का शादी कर रहा हूँ और रिसेप्शन करना है, जो भी बहुत सारे काम है। वो बोले थे अगर आप नहीं करोगे तो देर विल बी सो मेनी एसोसिएशंस। सो मैं बोला था ठीक है मैं आगे आ रहा हूँ। फिर वो तेलुगु एसोसिएशन मेरे को हैंड ओवर कर दिए थे April 3rd को, सेकेंड को मैं आया, थर्ड को मेरे को हैंड ओवर कर दिए थे। अच्छा। फिर मैं सीरियसली देखने लगा ये लीडरशिप का क्या होता है, आप अपना कम्युनिटी का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ होता है।
Then I realized, yes, I need to go into the FinAct as well. फिर FinAct में आया था सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी के पोजीशन में. राइट. फिर उसके बाद आप देख रहे हो लास्ट सिक्स सेवन ईयर्स में FinAct को कहाँ पहुँचाए थे. बहुत, yeah. और एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देना है. इट इज़ नॉट FinAct इज़ नॉट वन एसोसिएशन और डूइंग द इवेंट्स. आप पहले जो बोल रहे थे अग्रवाल साहब का, जब मैं जाके मैं सबके सामने सबके पास जाके मैं पूछा था ये FinAct को क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए. सो अग्रवाल साहब ने बोला था कृष्णा आप जो इवेंट्स हैं अपना कम्युनिटी का एसोसिएशन का मतलब हम इवेंट्स करते हैं. और इवेंट्स तो इवेंट्स इज नॉट द थिंग व्हाट यू नीड टू डू. राइट. यू नीड टू बिल्ड समथिंग विच इज देयर फॉर एवर. क्या बात. सो फिर लोग बात कर रहे थे हमें छोटा सा लैंड चाहिए, हम एक छोटा टेंपल बनाएंगे. अच्छा. और हमारा कम्युनिटी इतना सारा बढ़ गया है एंड नाउ वी हैव गॉट एन MLA. सो दैट इज द बिग कम्युनिटी एंड वी नीड बिगर फैसिलिटीज एज वेल. वेरी नाइस. फिर उसके लिए फिर टेंपल के लिए वो काम चला था. चलिए आपके कैनबरा हिंदू मंदिर पर जो आपका कार्य चल रहा है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक लिसनर लाइन पर मौजूद है. नमस्कार, यू लाइव ऑन एयर. हाँ ये बिल्कुल आप बात करना चाहिए. साक्षी है, साक्षी आप बात करिए. हेलो. हाँ साक्षी, यू लाइव ऑन एयर, बात करना, कुछ आप कहना चाह रही हैं कृष्णा जी से. मैं इनके इंटरव्यू सुन रही थी अभी कृष्णा जी की. इट्स अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू हिम कि उन्होंने इतनी ज्यादा अचीवमेंट की अपनी लाइफ में. सो आई जस्ट वांट टू बिग कांग्रेचुलेशंस कि लाइक जिसने ईयर 12 ड्रॉप आउट अगर फेल हो गया उसके बाद उन्होंने IIT किया हो, दैट्स अ बिग बिग रियली बिग थिंग. ये बात तो है. नहीं नहीं ये बहुत मतलब लाइक अ वेरी सल्यूट टू द ऑल द एजुकेटेड पीपल. तो आपने बहुत ज्यादा अचीवमेंट की है. कंग्रेचुलेशन कृष्णा जी. आपको मैं सिर्फ आपके फेसबुक के थ्रू जानती हूँ, बट लाइक बिग अचीवमेंट. थैंक यू साक्षी जी. नहीं नहीं इनके फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. और हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि अवार्ड मिल गया उसको, उसको प्रमोशन मिल गया, वो CEO हो गया, फलाना हो गया, डिमांड. लेकिन उसके पीछे जो स्टोरी, इतनी मेहनत होती है ये किसी को नहीं पता होती है. एग्जैक्टली. हमें सब उसका आउटकम नजर आता है, लेकिन बिल्कुल जो उनकी जर्नी है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, कहां से कहां पहुंचे हैं. एग्जैक्टली. सबके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं. इट्स वेरी गुड लाइक उन्होंने शेयर किए. हमारे लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है. समटाइम्स हमें लगता है कि हम किसी चीज पे फेल हो गए हैं, बट आई थिंक सो फेल इज नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस. वेरी नाइस. वेल सेड साक्षी, बहुत बढ़िया. आपने लग रहा आपका भी एक इंटरव्यू करना पड़ेगा मेरे को. Exactly. You seems to be a motivational speaker. Yeah, नहीं नहीं मेरे को ऐसे सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है क्योंकि लाइक वी आर द फर्स्ट माइग्रेंट. हम अपनी फैमिली से इतना दूर हैं. yeah. और यही चीजें सुन के हम अब कभी डिप्रेस भी होते हैं, लेकिन हमें ऐसे थॉट सुन के, सबकी जर्नी सुन के, सबके एक्सपीरियंसेस सुन के एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. एक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं लाइफ में कि नहीं हम कुछ नहीं होता, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. अगर डेस्टिनी में कुछ है अपना हार्डवर्क करो, हमेशा गॉड उस चीज को पे जरूर करेगा वन डे. बहुत बहुत वेल सेड. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है. ऑलवेज जब टफ टाइम्स आते हैं साक्षी जी, दैट शो दैट स्ट्रेंथेंस यू. अगर आपको हमेशा सक्सेस मिलते रहें, आप फ्लोट हो जाते हैं, आप वो प्रेशर नहीं ले पाएंगे. और अब कभी कभी भगवान इसीलिए आपको टफ टाइम्स देता है, आपको खड़क बनाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए. तो इसलिए उस लर्न करना है लाइफ में. हाँ उसके लिए भी आप पॉजिटिव, मैं सबको बोल रहा हूँ वो पॉजिटिवली लेते रहें. यस टफ टाइम आया तो यू कीप फाइटिंग फॉर इट. और हमारे लिए तो वो भगवद्गीता में बोला है चलते रहो, करते रहो और फल तो अपना आप आएगा. आपको टफ टाइम्स भी देते हैं या अच्छा टाइम भी देते हैं, वो सब कैलकुलेटेडली वो डेस्टिनी के लिए दे रहा है. अगर आपको बहुत बड़ा बहुत मुझे लगता है वो सब एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है लाइफ में. यस एक आपको जब बहुत बड़ा काम देना है तो उसको आपको पहले क्या करते हैं भगवान, आपको टफ टाइम में डालते हैं सो दैट आप टफ एनफ, सो दैट आप वो बड़ा काम को संभाल पाएंगे. तो इसलिए जब टफ टाइम आता है तो यही सोच लेना वो बहुत बड़ा आने वाला है. थैंक यू साक्षी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.
लगे रही, सुनते रहिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर द विशेस. चलिए, ये साक्षी जी. जी हाँ, कृष्णा जी, आप अपने कैनबरा हिंदू मंदिर के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो उस पर अभी क्या कार्य चल रहा है, कहाँ किस स्टेज पर है वो? अभी कैनबरा हिंदू मंदिर का जो हम लैंड के लिए अप्लाई किए थे, ये 5 साल हो गया है. अच्छा. 5 साल से वो हमेशा यही कहते जा रहे हैं, यहाँ लैंड नहीं है, फिर वहाँ लैंड है, बट वहाँ उसमें से हमको इतना ही देंगे. सो जो भी हो रहा है, इट इज़ जस्ट गोइंग ऑन, बट हम तो छोड़ने वाले नहीं, हम करते रहेंगे. और दिसंबर में भी आपको टेस्टिंग कर रहा है. ये भी somebody is testing you out, कि आप इसमें पीछे हट जाते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं. और दिसंबर में हमसे वो कैबिनेट ने कहा था, वी हैव गॉट अ लेटर फ्रॉम मिनिस्टर मिक जेंटलमैन सेइंग दैट यू शो द मनी. अच्छा. ऑन एज अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, सर कहाँ से पैसा आएंगे अगर हमको हम लैंड देंगे. तो फिर दे गेव अस ओनली 6 मंथ्स टाइम. अच्छा. फिर हम 5 महीना में May 20th को वी सबमिटेड 1.97 मिलियन ऑन पेपर टू द LDA. और अभी ट्रेजरी इज बिजी विथ द बजट. अभी आपको मालूम ही है वो ए सी टी बजट का टाइम चल रहा है. सो वंस दैट इज डन, दे आर गोइंग टू क्लियर आवर फाइल, और इफ दे नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन वो हमसे मांगेंगे. फिर इतना इसके बीच में हम वो टेम्पल का प्लान्स बनाने के लिए हमने एक वर्कशॉप किया था, विश लिस्ट बनाया लोगों का क्या क्या चाहिए टेम्पल में. अच्छा. सो अभी प्लान, अभी आर्किटेक्ट्स आर वर्किंग ऑन दैट. अभी हम साइट सर्वे के लिए अभी स्टार्ट करने वाले हैं. और चलते रहिए, चलते रहिए. वो तो है, आप यूं ही चला चल रहा ही, जीवन गाड़ी है पहिया. लेकिन बहुत अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट लिया अपने सिर पर. रियली आप भगवान देख रहा है, भगवान सुन रहा है, और कभी ना कभी ये आप पीछे नहीं हटना है. नहीं, वो तो भगवान का काम है. वो भगवान भगवान अपना घर बना रहे हैं, हम तो जस्ट मेसनरी काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं. बट जो घर है वो भगवान का घर है, उनका आशीर्वाद से उनका घर बन रहा है, हम सब उनका वॉलंटियर्स हैं. आई एम श्योर इट विल हैपन वन डे. बिल्कुल, यस यस, वो जल्दी जल्दी आएगा वो. और मेरा सबसे बड़ा पैशनेट अनदर थिंग इज आर्ट ऑफ लिविंग, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर रूम है आर्ट ऑफ लिविंग का. अभी लास्ट ईयर हमने ACT प्रिजन्स में हमने वो कोर्स स्टार्ट किया था, प्रिजन स्मार्ट फॉर प्रिजनर्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. सो दैट इज अनदर बिग मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग का हमारा वो कोर्सेस सब कुछ चल रहा है कैनबरा में नाउ. बहुत सारे टीचर्स थे पहले, पूर्वी जी एंड हरित थे, अभी right. अभी 9-10 टीचर्स है हमारा कैनबरा में. और क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज सो दैट लोगों का वो मन का शांति दे एंड हैप्पीनेस एंड जॉयफुल सोसाइटी बनाने के लिए हम लगे हैं. सो वो प्रिजनर्स का काम अभी चालू है, और बाकी अभी नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है प्रिजनर्स का. दिस टाइम वी विल बी फोकसिंग ऑन वुमेन प्रिजनर्स. अच्छा. और बहुत सारे उसमें भी नया नया प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ, अभी मैं और डिटेल्स बताऊंगा. ठीक है, वेरी नाइस. और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और आपके आर्ट ऑफ लिविंग जो आप कर रहे हैं, ये वुमेन प्रेजेंस और जो आपने बात की इस बारे में, और आगामी प्रोग्राम में कभी चर्चा करेंगे. अभी और एक वो लैंग्वेजेस रिकॉग्निशन का अभी एक चलाया था मैंने, कम्युनिटी लैंग्वेजेस रिकॉग्निशन रिव्यू करें ऑस्ट्रेलिया में. अभी उस प्रोसेस में पहले किया था, तो उस टाइम में हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है, हम एक सेंसस क्वेश्चन में आप व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, हम वो हिंदी टिक करते थे या इंग्लिश टिक करते थे, वी वर नॉट डूइंग अदर्स, टिक करके अपना लैंग्वेज नहीं लिखते, मातृभाषा जो. तो उसको एक अभियान चलाया था मैंने 2016 में, राइट. और उससे पहले 2011 में द तेलुगु पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 8,000 था होल ऑस्ट्रेलिया में. एंड गुजराती पॉपुलेशन वॉज समवेयर अराउंड 10,000 एंड मलयाली वॉज 12,000 समथिंग. अभी इसके बाद 2016 सेंसस में 56,000 समथिंग मलयाली पॉपुलेशन है एंड 46,000 समथिंग गुजराती पॉपुलेशन है, और तेलुगु पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 36,000-37,000. सो अभी नेटी के साथ और बात किया था, नाउ अभी नेटी के अंदर दिस 3 लैंग्वेजेस गुजराती टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर सर्विसेज स्टार्टेड, एंड नाउ अभी गुजराती एंड मलयाली एंड तेलुगु कम्युनिटीज दे कैन गो एंड रजिस्टर आई एम ए रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर. वाह,
क्या बात है. सो ये भी एक एक काम आया. एंड नेक्स्ट स्टेप इज वो CCL एक होता है. वो CCL होने से क्रेडिटेड कम्युनिटी लैंग्वेज बोलते हैं. वो टेस्ट पास करने से उनको 5 पॉइंट मिलते हैं जो PR एप्लीकेशन में. बहुत बढ़िया. सो अभी इंडियन लैंग्वेज से हिंदी, पंजाबी, तमिल एंड रिसेंटली बंगाली ऐड हुआ था. अभी अनदर 3 लैंग्वेजेस आने वाले हैं. ऐड हो रहा है. वाह बहुत बढ़िया. मैं तो यही कहूँगा जो सुन रहे हैं हमारे कैनबरा वासी, कैनबरा वाले हैं, इनको सपोर्ट कीजिए और हाथ बढ़ाइए, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ सब लोग उठाना पड़ता है. लेकिन कृष्णा जी बहुत ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं और आप जैसे कहा कि आप जियो साइंस की नौकरी छोड़ के यू वॉन्ट टू बी फुल टाइम इन टू दिस कम्युनिटी. बहुत अच्छी सोच है और हम चाहेंगे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. बस यही कहेंगे कि साथ ही हाथ बढ़ाना. जी हाँ दोस्तों, सब लोग हाथ बढ़ाइए. एक अकेला अकेला क्या क्या कर लेगा. जी हाँ, लेकिन ही इज़ द एक सेंटर स्टेज पर है, न्यूक्लियस पर है बने हुए जियो साइंस की जो न्यूक्लियस है, तो इनको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होती है आप सभी लोगों से. तो आप लोग इनको पावर देते रहेंगे तो ये आगे बढ़ते रहेंगे. थैंक यू सो मच कृष्णा जी. से और बातें होंगी, गपशप होगी, लेकिन लगे रहिए, सुनते रहिए. हाथ बढ़ाना साथी, हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे. जी हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रहे, और आज भी आप साथ दे सकते हैं. जी हाँ, रथ यात्रा आपके कैनबरा शहर में हो रही है इस समय. जी हाँ, बैप्स स्वामी नारायण संस्था कॉर्डली इनवाइट्स यू एंड योर फैमिली टू एंड फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन द रथ यात्रा. संडे यानी आज 30 जून को शाम के या दोपहर के 2:30 बजे से शुरू होगी अराइवल एट द ननावल स्कूल फॉर रथ यात्रा. 3 से 4 बजे प्रोसेशन है और 4 बजे से लेकर 5:30 तक सभा होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पूजनीय परम चिंतन स्वामी जी और पूजनीय प्रिय चिंतन स्वामी जी. तो अगर आप सारी जानकारी लेना चाहें तो baps.org पे जा सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल कर सकते हैं info.canberra@apac.baps.org. और एक और बहुत ही बड़ी और हमेशा हर साल लगती है रथ यात्रा होती रहती है, यहाँ हुई है. जी हाँ, पिछले साल भी हो रही है, इस साल भी इस शनिवार को हो रही है. और इस बारे में जानकारी लेते हैं हमारे श्री तरुण अगस्ती जी से. तरुण जी से गपशप करते हैं. जी हाँ, तरुण जी को मैं फ़ोन लगा रहा हूँ और पूछता हूँ. तरुण जी नमस्कार. तरुण जी नमस्ते. अगले शनिवार को जो रथ यात्रा होने वाली है STCC फ्लोरी में, उस बारे में कुछ जानकारी. जी हाँ जी, जय जगन्नाथ सब श्रोताओं को. जय जगन्नाथ आपको भी. हाँ बहुत सुंदर. और बहुत टाइम कम है तो मैं बहुत क्विकली ब्रीफली बोल रहा हूँ. हाँ जी हाँ. कि जो कैनबरा रथ यात्रा है, जो श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इस साल भी हम कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से. जी हाँ. और ये है अगले सैटरडे 6 जुलाई को फ्लोरी टेम्पल में, फ्लोरी हिंदू टेम्पल में, जो है HTCC है, हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर जो है, 81 रेड क्लिफ क्रिसेंट इन फ्लोरी. जी हाँ. तो हम सब फ्लोरी को पूरी बनाएंगे. अच्छा, फ्लोरी को पूरी हो जाएगा. हाँ, फ्लोरी विल बिकम पूरी. हाँ. लॉर्ड जगन्नाथ विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर एसोसिएट्स बलभद्र एंड सुभद्रा देवी पधारेंगे पूरी मंदिर को, यानी कि फ्लोरी मंदिर को. फिर वहां से हम 10 बजे पूजा शुरू होगा और फिर 11 बजे से 12 बजे तक हमारा रथ यात्रा ऑन द स्ट्रीट ऑफ फ्लोरी होगा. अच्छा. फ्लोरी स्ट्रीट में
हम लोग हरी धुन गाते हुए एक घंटा की यात्रा करेंगे। बहुत बढ़िया। और ये यात्रा में हम कैनबरा की सबको, क्योंकि रथ यात्रा किसी पर्टिकुलर ग्रुप वृंद या धर्म ये किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। रथ यात्रा जो है ये सबके लिए है, सब जीव के लिए है, सब देवता सब देवी जितने भी हैं, देव देवता मानव नर वानर जो जीव जंतु इंसेक्ट जितने भी हैं सब आते हैं इस रथ यात्रा के आनंद को करते हैं उस दिन। जी हाँ जी हाँ। तो हम सबको निमंत्रण देते हैं, आप लोग आइए। और मेरे साथ यहाँ डॉक्टर पति भी हैं। अच्छा, डॉक्टर नलिनी पति जी हैं। नलिनी पति भी हैं और प्रवासी डॉक्टर प्रवासी भी हैं। अरे वाह, डॉक्टर पति भी कुछ बोलेंगे। जी हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सबको, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आपको भी। डॉक्टर डॉक्टर कृष्णा जी भी हैं स्टूडियो में, सुन रहे हैं आपकी बातें। अरे वाह, कृष्णा जी को भी इनविटेशन। कृष्णा जी तो अभी जा ही रहे हैं, अभी एक रथ यात्रा आज जा रहे हैं कह रहे हैं, और एक शनिवार को तो है ही अगले। देखिए एक चीज है, आई विल जस्ट टेल वन थिंग, दिस इज वेरी यूनिक, रथ यात्रा एंड जगन्नाथ कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी यूनिक। व्हाट इट डज, इट्स जस्ट यूनाइटिंग एवरीबॉडी, एवरी इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर कास्ट क्रीड एंड बिलीफ एंड रेस, देयर इज नो बैरियर। So that's very unique kind of, there is no kind of culture kind of thing that's limiting to one particular group. So everybody should come, everybody should be part of the Jagannath Rath Yatra. बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग लग रहा मीटिंग चल रही है अगले शनिवार के लिए, और बहुत बड़ी रथ यात्रा। रथ एक सेकंड, प्रभाती जी भी हैं, वो थोड़ा बोलेंगे। अच्छा प्रभाती जी, नमस्कार, सलाम नमस्ते, कैसी हैं? बहुत बढ़िया, एंड यू नो आई एम ए बिग फैन ऑफ मनपसंद। अच्छा, थैंक यू आप। एंड कंग्रेचुलेशन, जो आपका भी जो लाइव अभी 24 का हो गया, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से ये बच्चा बड़ा होता जा रहा है रेडियो मनपसंद। And yeah, I never miss your program anyway. So just to add to that, your program ho raha hai. So I thought just already told, and we welcome again. I'm just reading Tarunji ji's some messages, and on behalf of all Oriyas and everybody, in fact. So please join there and make it bigger and bigger every year. So I'm just reading it. You are invited to join the chariot walk and get the blessing of smiling lords. By pulling the chariot for a short distance along the road, followed by free vegetarian feast. And the venue is STCC Temple, and that is at 81 Radcliffe Crescent in Florey. The date is on Saturday, 6 July 2019. And the program it starts at 9 o'clock. The ceremony before the chariot walk is at 9 o'clock. 11 to 12 o'clock, it will be the walk. 12 to 1 p.m., it will be cultural program. And after that, there will be lunch and visitor. बहुत बढ़िया। So, yeah, thank you. तो मनीष जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आपको। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। रेन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आइए सबको मिलते हैं अगले सैटरडे अगले शनिवार को 6 जुलाई को लगेगी आपके कैनबरा शहर में, एस्टीसीसी फ्लोरी। सारी जानकारी हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पे जा सकते हैं, facebook.com/radio-manpasand। डॉक्टर कृष्णा नदिमपल्ली जी हमारे साथ हैं, और उनसे हम गपशप कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल मिला है, OAM की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। डॉक्टर कृष्णा जी, समय बस थोड़ा सा रह गया है, बस आपसे जाते जाते यही पूछेंगे कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में तो जाना आपकी, और लेकिन क्या पॉलिटिक्स में भी एंटर करने वाले हैं आप? मैं तो पहले बता रहा था, जो भी मेरा सामने आएगा, आई कैन स्टैंड इन द फ्रंट, आई कैन स्टैंड इन द मिडल, आई कैन स्टैंड एट द एंड, आई एम ए वॉलंटियर। वेरी गुड। आई एम सर्विंग फॉर एम्पावरमेंट, दैट इज माई पैशन, माई लाइफ, क्या माई बिजनेस, एवरीथिंग। सर्विस, या सर्विंग फॉर एम्पावरमेंट इज माई like a tagline, real motto people was talking about. What? Our ek project, quickly I will tell you, is about establishing wellness centers across Australia through Art of Living. Achha. That is for alcohol and drug de-addiction programs, or cancer care and mental health.
इसके लिए बहुत इंटेंसिव कोर्सेज चाहिए रेगुलरली एट ए पर्टिकुलर प्लेस. सो वो सेंटर हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं. दैट विल बी माय नेक्स्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट फॉर ऑस्ट्रेलियंस. थैंक यू. एंड मेकिंग ड्रग फ्री ऑस्ट्रेलिया. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स एंड इफ यू वांट टू कम टू पॉलिटिक्स ऑल्सो उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. और बस जाते जाते कुछ अपने कमेटी को कुछ कहना चाहेंगे चाहते जाते आपके इस अवार्ड के बारे में जो जिस कमेटी ने जिस वॉलंटियर्स ने आपको सपोर्ट किया और आपकी फैमिली जी आपके वाइफ और कितने बच्चे हैं आपके. मैंने पूछा नहीं. दो बच्चे हैं. दोनों को शादी हुआ. दोनों बहू हैं. अभी अनदर बिग न्यूज़ इज अक्टूबर में मैं दादा बनने वाला. अरे वाह बधाई हो. दैट विल बी अनदर अवार्ड और अचीवमेंट आपको मिलने वाला. चलिए थैंक यू. कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए बस. यप धन्यवाद. एंड अभी टाइम का भी देख रहे हैं. बिल्कुल समय बिल्कुल कम बहुत कम है. थैंक यू वेरी मच. चलिए दोस्तों थैंक यू कृष्णा जी फॉर कमिंग इन द स्टूडियो. एंड चलिए दोस्तों आप लोग ये प्रोग्राम सुना लगे रहिए सुनते रहिए. और ये प्रोग्राम जी हाँ अगर आपने लेट शुरू ट्यून किया तो आप हमारे रेडियो ऐप के द्वारा भी सुन सकते हैं. जी हाँ 24/7 एंड्रॉयड ऐप है और सिंपल रेडियो पे जाके भी ऐप है रेडियो मनपसंद का. ये प्रोग्राम जो अभी रिकॉर्डेड है ये आप प्रोग्राम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आज दोपहर को भी सुन सकते हैं. चलिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ. और थैंक यू दीपक जी फॉर कमिंग ऑन. ये थैंक यू कृष्णा जी फॉर आप सब दोनों से बहुत बहुत बधाई और कामनाएं. और आपसे और भी बातें होती रहेंगे आगे. और सभी फ़ोन जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद. और जिन्होंने फ़ोन किया उनको लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए मैं मनीष आपसे विदा लेता हूँ. नमस्कार. जय हिंद एंड हैव अ लवली संडे एंड अ वीक अहेड. और बस और यही कहेंगे कि यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से. लगे रहिए सुनते रहिए और चलते रहिए. बाय बाय. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. हम हैं राही प्यार के चलना अपना.